बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की 46 नशिस्त है हमारी सीरत के हवाले से और उसके तलावत इकराम पाक के लिए मैं मुश्किल वजह से नवाजन तलावत इकराम पाक के लिए उस
जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि आज की हमारी ये 46वीं नशिस्त है और जिसका मौजू है कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलूब इंसान। आज मैं या आप या हम सब अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं और अपनी इर्द गिर्द अपनी ज़ात के ऊपर अगर गौर करते हैं तो मेरा ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो इंसान जो रोल मॉडल था, जिसकी तरफ इंसानियत सर उठा के देखती थी, और जब इंसानियत सर उठा के किसी की तरफ देखती है तो वो अपने आप को इंसानियत का रहबर रहनुमा बनाने के लिए तबई तकाजा पूरा कर देता है, यानी दुनिया का इख्तलाकी तौर पे आला तरीन इंसान। जबकि उसके बरक्स हम लोग जब बचपन से सुनते आते हैं अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में कि हम अशरफ मखलूकात, हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुल अंबिया और ये उम्मत आखिरत के अंदर आला तरीन मुकाम पे फाइज, जबकि अमली तौर पे इस वक्त मैं और आप कहाँ खड़े हैं इस पे कुछ समझना मुश्किल नहीं। ये सवाल आपका और इसको सवाल को सोचना और सोच के सो जाना एक ये तर्ज अमल है, और एक तर्ज अमल ये है कि अगर मेरे मोहल्ले में मेरे घर में कुछ पत्थर बिखरे हैं, कुछ कांटे बिखरे हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा घर का जो डिस्टर्ब है निज़ाम उसको मैं अपने तौर पे जितनी सलाहियत रखता हूँ उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ, उसके अंदर अगर मैं कांटे चुन सकता हूँ तो कांटे चुनूँ, अगर मैं पत्थर चुन सकता हूँ तो पत्थर चुनूँ, ताकि जिन चीज़ों से मेरा आज दामन, मेरे कपड़े, मेरा जिस्म जख्मी है, मेरा छत जगह जगह सुराख होने से उसके अंदर मैं लिपट रहा हूँ, उसके लिए कम से कम मेरे आने वाले बच्चों को तो कम से कम उसमें कुछ कमी वाकया हो जाए। पहली नस्लों ने जो काम करना था वो करके गुजर गई या गुजर रही है। मैं मेरा ख्याल छठी सातवीं में पढ़ता था तो अक्सर घर में बहस हुई कजन्स के साथ साढ़े माँ प्यो ने कीता साढ़े वास्ते, मैं बैठना मैंने कहा यार ये सवाल इस तरह सोचो कि हमारे आने वाली नस्लें हमारे अंदर क्या सोचेंगी, कि हमारे बच्चे सोचे क्या सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या कर गए। सोचने का शुरू होता है, बात करने का शुरू होता है। दूसरा यह है कि जो हैजान और जो नफरत हम अपने इर्द गिर्द देखते थे बचपन में उसमें ये आता था कि वो रहमतुल आलमीन पे वो गंदगी जो कचरा फेंकने वाली खतून अगर चंद नहीं फेंकती है तो मुझे मेहराब और मिंबर से बताया जाता है कि वो ना फेंके, उसका पता लेने जाना पड़ता है कि जनाब क्यों नहीं आज कचरा फेंका, और मैं क्या करता हूँ, मैं उस किसी भी इस तरह के अमल के नतीजे में रद्दमल करता हूँ या कि मेरा क्या तर्ज अमल होता है। दूसरी जो सबसे अहम बात जहन में आती है और जो गौर करने के लिए मेरे और आपके लिए है, अल्लाह ताला ने दो किताबें इंसान को दी हैं। एक वो किताब है जिसका मुशाहिदा करने का अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक के अंदर बार बार हुक्म दिया है कि ज़मीन के अंदर अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, आसमान के अंदर अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, शहद की मक्की के अंदर इंसान के अपने वजूद में, और एक वो किताब है जो मैंने और आपने हम सब ने तहरीर कर ली। हर दिन मेरा गुजरता है और उस सफ़े को मैं या फूलों से सजाता हूँ या मैं कांटों से सजाता हूँ, मैं उसके अंदर कितना जहर घोलता हूँ, मैं उसके लिए लोगों के लिए कितना रोल मॉडल बनता हूँ, ये मेरा अपने आप से सवाल है, ये मेरा आपसे सवाल है। हम लोग शायद इजहार बहुत करते हैं, अपना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन आए, रबीउल अव्वल के दिन आए तो मिलाद शरीफ प्रोग्राम गलियां रोशन, लेकिन पता नहीं मेरे अपने अंदर अंधेरा क्यों है, और मैं कब सोचूंगा कि मैंने अपने अंदर रोशनी पैदा करनी है। अगर मेरा अंदर रोशन होगा और उसके असरात कुछ और होंगे, कभी वो आपके दोस्तों में बात कि कभी किसी गली में मोहल्ले में कोई बासमती चावल पकाता था तो खुशबू फैल जाती थी, आज चावल में भी खुशबू गई, आज मेरे और आप हम सब के अंदर से भी वो खुशबू कहीं गुम गई है, उसको तलाश करना है मुझे आपको कि वो खुशबू कहाँ चली गई है। अगर मैंने इस कायनात को अल्लाह ताला की बनाई हुई
इस जिंदगी को जो कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बुनियाद के ऊपर है। अल्लाह ताला ने हर चीज को एक डिसिप्लिन दिया है, सूरज का एक डिसिप्लिन है, चांद का एक डिसिप्लिन है, जमीन का अपना एक डिसिप्लिन है, बीज लगाना और बीज का फल देने तक अमल, इंसान का दुनिया में वजूद में आना और इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, आज ये बीज हमने सुला दिया हुआ है, इसको ऐसा एनवायरमेंट दे दिया हुआ कि ये ग्रो ना कर सके, जब ग्रो नहीं करेगा तो फल नहीं देगा। जबकि दुनिया की तहजीबों ने इस इंसानी जहन को ऐसा एनवायरमेंट दिया है कि वो जामन से, जामन की गुटली से जो दरख्त बनने का अमल है वो मुकम्मल होता है, वो जामन की गुटली कई 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 हमें गुटलियाँ देती है, कई फल देती है और पूरी इंसानी जिससे पैदा उठाती है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए सारे निज़ाम के अंदर आज हम लोगों का इस इंसानी मुआशे के अंदर जो खालिक ने तरतीब दिया, इसका मुहर्रिक तो अल्लाह ही है ना। एक मक्खी को भी पैदा किया वो भी एक ड्यूटी अदा कर रही है, एक अगर लिज़र्ड है, ये बिल्ली है तो वो भी अपना इंसेक्ट किलर है। इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ जो हमारे जितनी भी मखलूकात बनाई हैं, अल्लाह को शायद हम लोगों ने एक बुत बना दिया है जो कि रब्बुल आलमीन था। वो मेरे ग्रोह को, मेरे मसलक को, मेरे सिर्फ इंसानों के कबीले को नहीं, वो कुल मखलूकात को पालने वाला रब्बुल आलमीन, मैंने शायद उसे महदूद कर दिया है कि ये मेरे फलां ग्रोह का अल्लाह है, ये मेरे फलां ग्रोह का अल्लाह है। इसी तरह रहमतुल आलमीन को भी हमने महदूद कर दिया है, अल्लाह ने उसमें वसत रखी थी। वो वसत जब तक मेरे अंदर अल्लाह के लिए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं आती, मैं रहमत नहीं बन सकता। मैं वो फूल मेरे वजूद से, मेरी जबान से, मेरे मामला से वो रहमतें नहीं निकल सकती, वो खुशबू नहीं आ सकती है जो इस कायनात को उसके असल ट्रैक पर ले जाने वाली है। असल तो ज़रूरत इस बात की थी, पॉलिटिकल अगर हम लोग फेलियर हैं तो इखलाकी तौर पर तो कोई जबर नहीं करता कि मैं झूठ बोलूँ, मैं चीटिंग करूँ, मैं मिलावट करूँ या हम सब करें, वो भी हमने खो लिया है। और ये जो हमने अपना जो वजूद खो लिया है उसका नतीजा ये निकला है कि हमें वो इतने मेरे छत में सुराख हैं, हमें समझ नहीं आती कि ये टिप 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 जगह जगह से इसको बंद कैसे करें। इसका मेरा ख्याल ये है दोस्तों कि मुझे आपको हम सबको अपने अंदर जो अल्लाह ताला सलाहियत दी है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के मुताबिक हम अपना रोल अदा करें, अपनी कोशिश करें कि हम लोग जो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उसको अपनी ज़ात पे तो मैं कंट्रोल रखता हूँ ना, अपनी किताब ज़िंदगी जो सफ़ात पर स्याह करता हूँ या उसको खूबसूरत बनाता हूँ उसके अंदर मैं ज़रूर सोचूँ, मैं अपने रब से मुहातब हूँ अपने अमल से, एक्शन स्पीक से मैं बहुत बोलता हूँ जबकि मेरा अमल उसकी गवाही नहीं देता। जबकि हम लोग अपनी तारीख में देखते हैं कि जिन लोगों ने वाकई को कंट्रीब्यूशन अदा किया वो कम बोलते थे, उनके नाम बड़े छोटे थे। सही नंबर का नाम लेते हैं हम, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु लेते हैं, गज़ाली का, आज नाम इतना लंबा होता है और लोग छोटे हो गए, नाम बहुत बड़े हो गए। आज आप दुनिया की तहजीबों में देखते हो नाम छोटे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के लिए, जबकि मेरा कंट्रीब्यूशन क्यों खो गया, मेरे अंदर से वो वसत क्यों चले गए, ये वो सवाल है जो मुख्तलिफ औक़ात पे मुख्तलिफ मौजू देखे हम लोग उसको छेड़ते रहते हैं। और मकसद यह है कि अपनी सलाह, हम सब की जिम्मेदारियों का एहसास, अपना रोल अदा करने का एहसास, और इसीलिए हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप दोस्तों का इसमें आना ही हमारी हौसला अफजाई का बायस है और हम लोग उसको मुसलसल नए से नए टॉपिक लाते हैं और उसमें बात करते हैं। और जो हमारे मुआशरे में फूल मौजूद है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि बरए मेहरबानी आइए और एक तहरीर अफकार के अमल को आगे बढ़ाएँ, अपनी सोचों को पकीज़ा करें, अपनी सोचों को उस रास्ते पर लाएँ जो रहमतुल आलमीन का रास्ता है, उस रास्ते पर लाएँ जो जो इंसानियत की आज ज़रूरत है, जो इंसानियत को उसकी असल मंजिल पर ले जाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मानव भाई से प्लीज तशरीफ लाएँ और सारे बात करें दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अखबार में तकरीबन फोरम था, खास तौर पर असद इजाज साहब का, तो आपने मुझे बुलाया था और शहर सियालकोट में मुझे ज़िंदगी में पहली बार मेरा आना हुआ है। अगरचे अल्लामा इकबाल से मेरी शनासाई बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी, गालिबा की उस वक्त मेरी उम्र कोई 12 साल हो गई, शायद इससे भी काम थी, इसलिए कि मैं जब फायदा पड़ता था ईरानी फायदा कि मैं उस वक्त शेर शायर करता था, आप ईरान होंगे तो उस छोटी सी उम्र में क्या मैं शेर लिखता था। लेकिन मेरी वालिदा मुहतरमा मुझे हमेशा कहती थी कि बादाम खाओ, इसलिए कि जो ज़हनी काम करते हैं वो बादाम खाते हैं और अल्लामा इकबाल भी बादाम खाए, तो वो इस तरह मुझे बादाम खिला देते थे। तो मैं शायद ना बन सका था, एक ख़ास उम्र तक जोर पाती रहा, लेकिन ये है कि हर इंसान हर काम के लिए पैदा भी नहीं होता। अल्लामा इकबाल से मेरी शनासाई उस छोटी सी उम्र में होगी और अल्लामा इकबाल को फिक्र इकबाल पढ़ा और बहुत छोटी उम्र में इकबाल से मुताबिक जो किताबें हैं वो मैसर आई लाइब्रेरी में, तो वो तकरीबन मैंने सारी किताबें इकबाल के फलसफा पर फिक्र पर मैंने पढ़ लिया। अगर जो उस उम्र में इतनी समझ तो नहीं आती थी, लेकिन ये है कि संजीदा तहरीरों को पढ़ने से इंसान काफ़ी हद तक मैच्योर और आखिर और बालिग हो जाता है। हमारे बड़े अच्छे शायर हैं सादुल्लाह शाह, वो कहते हैं कि उम्रों को बढ़ा देती है न जाने के किताबें हैं, मैं छोटा था मगर सर पर कई सदियों का साया था। तो किताबें इंसान की उम्र को बढ़ा देती हैं, इसलिए कि ये भी कौन सा है जब आप कई सदियों का इल्म लेकर कितने उम्र छोटी होती है लेकिन कई सदियों का साया इंसान के सर पर होता है। ये भी मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आज मैं सियालकोट में हूँ और जाते हुए अल्लामा इकबाल के घर और रिहाइश को मैं ज़रूर देखता हुआ जाऊँगा। इंसान की अकीदत और इंसान की मोहब्बत जब मैच्योर होती है, पुख्ता होती है, तो फिर उसकी अकीदत शख्सियत से तो होती ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उस शख्सियत की फिक्र के साथ होती है। इसलिए मैंने कभी भी ये ज़रूरत नहीं महसूस की कि मैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाऊँ, हाज़िरी दूँ, और मैं लाहौर में रहते हुए भी बहुत कम मैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पे गया हूँ, इसलिए कि मज़ार पे जाने या ना जाने से इस मसले से मुझे कोई बहस नहीं करनी है, कोई शराब है। सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फिक्री वाबस्तगी इन चीज़ों से बाहर कर, फिक्री वाबस्तगी इन बातों की तरफ लाने के बजाय असल फिक्र की तरफ इंसान को मुतवज्जे करती है। किसी शायर ने कहा कि दिल में है तस्वीर यार, जब जरा चाह गर्दन जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो मामला यही होता है कि आपकी जब फिक्री वाबस्तगी होती है तो फिर आपको जाने की बात का ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रोशनी आपको वैसे अता होती है। आज जो हमारा मौजू है वो है कुरान और सीरत का मतलूब इंसान। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब मैंने अपने माशरे को देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर दूसरे इंसान को बोलने का बहुत शौक है, तो मैंने ये तय किया कि मैं स्पीकर बनने के बजाय एक अच्छा लिसनर बनूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं आज एक आला पाए का लिसनर हूँ, सामे हूँ और सुनता हूँ
मेरे माशरे में जो भी लोग हैं मेरे पास आते हैं बैठते हैं उनकी जितनी देर अपनी बात सुनाते हैं मैं बड़े सब्र से और बर्दाश्त से हर बात को सुनता हूँ इसलिए मुझसे सब खुश भी हैं। लेकिन आज असद एजाज साहब की मेहरबानी से उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया कुछ सुनाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस मौजू से इंसाफ करूँ और जो हक और सच बात है वो आप लोगों तक मेरी आज की गुफ्तगू तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा है कुरान और सीरत का बाहमी ताल्लुक, दूसरा हिस्सा है कुरान और सीरत का मजबूत इंसान और तीसरा हिस्सा है कि हम मजबूत इंसान कैसे बन सकते हैं। इस उनवान को हम यूं भी रख सकते थे कि हम मजबूत इंसान क्यों ना बन सकें, लेकिन इसके बजाय अगर ये कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम मजबूत इंसान कैसे बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुदा के मंदूब इंसान इस दुनिया में नहीं है या हम में नहीं है, बहुत से लोग हैं जो खुदा के मंदूब इंसान बने हुए हैं अपने किरदार में अपने अखलाक में अपने अफकार में नज़रियात में वो अल्लाह के मंदूब इंसान हैं। हमें कोशिश ही करनी है कि हम भी अल्लाह सुबहानहू व तआला के मंदूब इंसान बन सकें। कुरान और सीरत का जो बाहमी ताल्लुक है वो ताल्लुक नज़रिया और अमलियत का ताल्लुक है, नज़रिया और अमलियत का ताल्लुक है, प्रैक्टिकलिटी का। कुरान एक थ्योरी है, नज़रिया है और उस नज़रिए को उस थ्योरी को अगर किसी ने अमल में देखना है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। कुरान मजीद बहुत से मकामात पर रसूलुल्लाह की सीरत को बयान करता है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनको पैगंबर बनाकर भेजा जिनको नबी बनाकर भेजा ये वो हस्तियां थीं कि जो माशरे के लिए रोल मॉडल अपने अखलाक में अपने किरदार में अपने मामलात में अपने अकायद और नज़रियात में उन पे कोई शख्स भी उंगली नहीं उठा सकता था, वो ऐसे किरदार के लोग थे। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में पैगंबर बनाकर उनको भेजा और उनको मुंतखब किया नबूवत और रिसालत के लिए, वो ऐसे किरदार के मालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत आपका किरदार वो इस पाए का था कि अपने मुसलमान उनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि वो ईमान लाए अकीदत रखते थे वो मोहब्बत रसूल रखते थे, लेकिन आपके अखलाक और किरदार की अजमत का ये आलम था कि जो मुशरिकीन कुफार मुनाफिकीन यहूद व नसारा थे वो भी अपनी अमानतें अपने जेवरात अपनी करंसी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखता था, यानी इससे बढ़कर आला अखलाक और आला किरदार की और मिसाल क्या हो सकती है। कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हुए एक आयत का हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है, उसमें आपकी 40 साल ज़िंदगी को कुरान ने बंद कर दिया बयान कर दिया, वो क्या है फरमाया फ़कत नबीस को फीक उमर अपनी अफरात आते हुए कह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे ये फरमा दीजिए ये कह दीजिए आप कि मैंने तुम में इससे पहले की ज़िंदगी तुमने बसर की, नबूवत से पहले की ज़िंदगी मैंने तुम में बसर की है, अफरात आती हूँ क्या तुमको समझ नहीं है अकल नहीं तुम क्या सोचते नहीं हो। तो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत पर अपने करैक्टर को अपने किरदार को पेश किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसको बयान कर दिया। किरदार और अखलाक का ये आलम था कि जब हजरत अस्वद को नसब करना था तामीर काबा के बाद तकमील काबा के बाद
तो कबाइल में इख्तलाफ और इंतशार टूटने लगा, तो उस वक्त ये तय हुआ कि जो शख्स भी सुबह हरम में दाखिल होगा वो फैसला करेगा कि किसने हजरे असवद को नसब करना है और कैसे करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह आप सबसे पहले जब हरम काबा में आप दाखिल होते हैं, वो जो काफिर हैं मुशरिक हैं और आप नौजवान हैं, उन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा हाजर मोहम्मद हाजर अमीन। खुशी से वो हंस पड़े, मुस्कुराए, उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा ये मोहम्मद ये आ गए, ये अमीन है, अमानतदार है। ये उस वक्त कुफारो मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ में अमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये किरदार और ये सीरत और ये अखलाक है जिसको कुरान ने बयान किया। नबूवत और रिसालत इतना बड़ा मंसब है, इतना बड़ा मंसब है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कोई खारजी दलील लाने की बात नहीं की कि किसी और से लाई जाए, कोई सियासी हवाले से, माशी इंतसाबी हवाले से, कोई फ़लसफ़ा की बुनियाद पर बात की जाए। उस वक्त रसूल का अफलातून का भी फ़लसफ़ा था, यूनानी फ़लसफ़ा मौजूद था, किसी फ़लसफे की नहीं बात की, सीधी सादी सिंपल दलील, सीधी सादी बात। वो बात क्या है? फरमाया कि ऐ नबी अपने किरदार को बस इनके सामने पेश कर दो कि जो पैगंबर अपनी ज़िंदगी के किसी मामले में झूठ नहीं बोलता तो वो नबूवत और रिसालत के हवाले से कैसे झूठ बोलेगा। और फिर वो कुफार और मुशरिकीन कि जो अपनी हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करते थे और हर मशवरा आपसे करते थे और हर मामले में आपसे गाइडेंस और रहनुमाई लेते थे, क्यों? इसलिए कि वो आपको सादिक और अमीन ख्याल करते थे। ये कुरान और सीरत का ताल्लुक है जिसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस तरह बयान किया, जब आपसे अखलाक के मुताबिक पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, तो क्या फरमाया? फरमाया कान अखलुकुल कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान है। जिसने आपकी सीरत को और अखलाक को पढ़ना हो कुरान को पढ़े। अल्लाह सुबहानहू व तआला के अहकामात अवामिर और नवाही की अमली ताबीर और अमली शक्ल अगर किसी ने देखनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में देखे, सीरत में देखे। तो कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया है, एक नुक्ता को बयान किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को बयान किया है। वो जो सुलह हुदैबिया का वाक़िया है, ग़ज़वा बद्र है, ग़ज़वा उहद है, यहाँ तक कि आपके ख़ानदानी और जो खानगी मसाइल हैं मामलात हैं उनको भी कुरान ने बयान किया है। तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो पहला माख़ज़ हमारे सामने आता है वो किसी तारीखी किताब को या सीरत की किताब को उठाने से पहले खुद कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किताब को बयान करता है। इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला अगर चाहता तो वो कुरान को नाजिल कर देता, 124,000 पैगंबर भेजने के बजाय किताबों को भेज दिया जाता और ये कह दिया जाता कौम को कि भी फलां जगह पर किताब पढ़ी, उसको खा लो और जाकर तुम उसका मुताले कर लो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लो। लेकिन इंसान जो सा है वो वजूद का फुकर है, जिस्म का, वो ये चाहता है कि उसके सामने प्रैक्टिकली अमली तौर पर एक चलती फिरती तस्वीर उसको नज़र आए ताकि वो उसको फॉलो करें। ये इंसान की फितरत है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला किस लिए माशरे के वो लोग जो अखलाक और किरदार में आला पाए के लोग थे, जिन पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, जिनका माजी साफ और शफाफ था, आला किरदार के मालिक लोग थे, उनको अल्लाह सुबहानहू व तआला ने पैगंबर बनाकर भेजा। आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी, सीरत की किताबों में मौजूद है कि हिजरत की रात कि जब वो जानी दुश्मन अबू जहल, अबू लहब, मुग़ीरा, वलीद, ये सब लोग कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि शमाए रिसालत को गुल कर दिया जाए, इस्लाम की शमा को बुझा दिया जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र शुरू किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर पे सुलाया और आपके सुपुर्द अमानतें की, अमानतें ये तसव्वुर किया जा सकता है
कि अगर हमारे पास किसी का कोई पैसा हो और फिर आने वाले वक्त में हमारा उससे कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई मुनाकिशत हो जाए, किसी मसले पर दुश्मनी पैदा हो जाए, तो क्या इस किरदार पर हम फायज हैं कि हम उस अपने दुश्मन की अमानत उसके सपोर्ट कर दें? कभी ऐसा नहीं होता। लोग दुश्मनी में आकर जागीरें हड़प कर जाते हैं, मकान हड़प कर जाते हैं, करंसी और बैंक बैलेंस खा जाते हैं, इसलिए कि उससे दुश्मनी पैदा होती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक और किरदार और सीरत देखिए कि हज़रत अली को ज़िम्मेदारी के साथ और फिक्रमंदी के साथ आप अपने बिस्तर पर सुला कर गए और ये फरमाया कि जिन जिन की यह अमानतें कि तुम उनको लौटा कर फिर तुम मदीने वापस आओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि कुरान के जितने भी अहकाम हैं, कुरान हम लोगों को, मुसलमानों को जो इस्लाम का मुखातब है, उनको जिस बुलंदी पर, किरदार की बुलंदी पर इस्लाम देखना चाहता है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वो उस्वा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें बता दिया और हमारे सामने रख दिया है कि तुम इसे फॉलो करो। लगत काना रसूलुल्लाह उस्वा हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उस्वा हसना है। इन्नक अला खुल्क अज़ीम फरमा दें कि बेशक आप खुल्क अज़ीम पर फाइज हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि जिसको कुरान ने बयान किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान और सीरत का मतलूब इंसान क्या है? मतलूब इंसान क्या है? अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद में फकत दो बातों को बयान किया, फकत दो बातों को जहां पर भी बयान किया गया, एक ईमान और एक अमले सालेह, ये दो बातें बयान की। जब कुरान को हम पढ़ते हैं, फकत ये दो अल्फाज हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए। अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाया इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइक असहाबुल जन्नत हुम फिया खालिदून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, सालेह काम किए, ये जन्नत वाले और ये जन्नत में जा रहे हैं। ईमान और अमले सालेह की बात और किसी चीज़ की बात नहीं। हमने सारे फरमाया कि मन अमले सालेह फलनफ्सिह व मन साफ़ अलैहा, जिसने अच्छा काम किया उस अच्छे काम का फ़ायदा उसको पहुँचना है और जिसने बुरा काम किया बुरे काम का नुकसान उसको पहुँचना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में अच्छाइयों की, अच्छे कामों की भी एक लिस्ट हमें अता कर दी, जिसे आप कह लीजिए कि जब हम सूरत बनी इसराइल पढ़ते हैं, बनी इसराइल के तीसरे रुकू में, उसके लिए आमतौर पर हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं टेन कमांडमेंट्स, जिसे हम कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 10 अहकाम हमें सूरत बनी इसराइल में दिए। वालिदैन से दूसरे सुलूक से बात शुरू होती है। सबसे पहले अल्लाह ने इबादत की बात की, वक़ा रब्बुक अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया कि वालिदैन इबादत सिर्फ उसकी है और वालिदैन के साथ एहसान करना। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई। अब ये 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 अहकाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दो रुकू में अता किए। इसमें अल्लाह ने ये बता दिया कि क्या तुमने नहीं करना, तुमने क्या नहीं करना और तुमने क्या करना है, दोनों चीज़ें बता दी। जब हम क्या ना करने की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक इंसान का इंफरादी किरदार है जिससे उसकी ज़ात संवरती है, उसका तज़किया नफ्स होता है, और दूसरा हिस्सा जो उनसा है उसका ताल्लुक इज्तिमा के साथ हो जाता है, माशरे के साथ हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को, दोनों पहलुओं को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में बयान किया। ये बात याद रखिए कि इस्लाम इन दोनों पहलुओं पर जोर देता है, इंफरादियत पर भी और इज्तिमाईयत पर, यानी वो आमाल जिनका ताल्लुक आप अपनी ज़ात के साथ है उसको भी इग्नोर करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और वो मसाइल जिनका ताल्लुक इज्तिमा के साथ है, माशरे के साथ है, उनको भी इस्लाम इग्नोर करने की इजाज़त नहीं देता। यानी मगरिब का जो ये तसव्वुर है कि आप अपने ज़ाती किरदार में जैसे भी हैं, वो आपका ज़ाती किरदार है,
लेकिन आपका मामला मखलूक के साथ दुरुस्त होना चाहिए। इस्लाम कहता है कि तुम्हारा मामला तुम्हारे साथ भी दुरुस्त हो और तुम्हारा मामला लोगों के साथ भी दुरुस्त होना चाहिए। बदकिस्मत यह है कि जैसे एक मगरबी सोच हमारे यहाँ परवान चढ़ रही है, अक्सर लोगों को हम कहते हुए ये सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है उसका दूसरों के साथ तो मामला ठीक है ना, वो खुद जैसा भी नहीं। इस्लाम ज़ात पर भी तवज्जो की बात करता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं है, अगर वो टैक्स पेयर है, रियासत का वफादार है, हम कहते हैं इज्तिमाई तौर पर तो ठीक है ना, वो लोगों को हुकूक दे रहा है, रियासत के हुकूक अदा कर रहा है, तो बेशक वो ज़ाती किरदार भी ऐसा नहीं हो तो ये मामला नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक चीज़ है कि जो डायरेक्ट आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, एक वो तरीका है कि जिससे माशरे की तहजीब और कल्चर और रहन सहन को नुकसान पहुँचता है। इस्लाम दोनों चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, इंसानी ज़ात का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, इंसानी अखलाक का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है और इंसानी नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, और उसके साथ साथ इस्लाम ये कहता है कि दूसरों के साथ भी मामला को दुरुस्त करते हैं। यानी जिस तरह हमारे यहाँ यानी यूरोप इस तरह रेप में और एडल्ट्री में फ़र्क करता है, इस्लाम में रेप और एडल्ट्री में कोई फ़र्क नहीं। मगरिब ये कहता है कि एडल्ट्री यानी रजामंदी के साथ जिना भी रजा है तो वो ठीक है, तुम करते रहो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, लेकिन जिना भी जबर है, किसी के साथ बाय फोर्स तुम रेप नहीं करो, जिना नहीं करो। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जिना बिल रज़ा हो या बिल जब हो, दोनों की ममानियत है और दोनों हराम है इस्लाम के नज़र से। इस बुनियादी बात को आज समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि बदकिस्मती से ये कल्चर हमारे यहाँ भी राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि हमारे यहाँ इंसान का इंसान के साथ जो मामला है वो बहुत बिगड़ गया, हम एक लिहाज से ज़ालिम बन खड़े हुए, अदब के मकाम पर हम फाइज ना हुए, हमने इंसान से उसके हुकूक को छीना, भाई ने भाई के साथ जुल्म किया, बेटे ने बाप के साथ, बाप ने बेटे के साथ, दुकानदार ने कस्टमर के साथ, कस्टमर ने दुकानदार के साथ, इसी तरह सियासतदान ने कौम के साथ, कौम ने सियासतदान के साथ। चूँकि हमारा बाहमी ताल्लुक जो सा है वो अदल पर कायम नहीं रहा, इसलिए अगर कोई शख्स इज्तिमाई तौर पर हमें बेहतर नज़र आता है और इंफरादी तौर पर वो अपने मामलात में कमज़ोर नज़र आता है, हम ये कह देते हैं कि चलो इज्तिमाई हवाले से तो वो ठीक है ना, ज़ाती किरदार में बुरा है तो वो बुरा सिर्फ उसका मामला है, बेशक वो उसका मामला है, लेकिन इस्लाम दोनों की इस्लाह की बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बिनफ्सिक हक, तुझ पर तेरा भी हक है। ये तुझ पर तेरा हक होने का मकसद ये है कि तू अपने हक को उसी तरह अपने जिस्म के हक को अदा कर जिस तरह तुझे अल्लाह उसके रसूल ने तेरी रहनुमाई की है। तो एक इस तसव्वुर को भी किसी हद तक संवारने की और दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ईमान के साथ अमले सालेह की बात की, तो अमले सालेह का ताल्लुक फ़कत इंसान अपनी ज़ात से नहीं है, अमले सालेह का ताल्लुक अपनी ज़ात के अलावा माशरे से है, और फ़कत माशरे से नहीं है, अमले सालेह का ताल्लुक अपनी ज़ात से है। दोनों थ्रेट्स, दोनों धमकियाँ और दोनों नुकसान जो एक तहजीब को एक माशरे को पहुँचाते हैं, उन दोनों से इस्लाम ने बचने की तरफ़ वो ये है कि किसी इंसान की ज़ाती आज़ादी को सलब किया जाए, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता, और इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि आप इंसानी जिस्म और इंसानी ज़ात से बढ़कर इंसान की तहजीब, उसके कल्चर और उसके रहन सहन को बिगाड़ दें, दोनों तसव्वुरात इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए इस्लाम ने ईमान और अमले सालेह दोनों की बात की। अब देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसी तसव्वुर को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कुरान मजीद में इकामत सलात की बात की, इताई ज़कात की भी बात की, यानी फ़कत नमाज पढ़ने की बात नहीं की, नमाज के साथ ज़कात की अदायगी की भी बात की है। यानी मैं आमतौर पर यूँ कहता हूँ कि इस्लाम ने इबादत की बात की है तो साथ खिदमत इंसानियत की भी बात की है।
خدمت خلقی کی بات نہیں, اور صلات کو فقط ایک ڈوگما جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ڈوگما نہیں ہے, دوسرے مذاہب کی طرح کہ آپ کی عملی زندگی سے, معاشرتی اور سماجی زندگی سے اسلام آپ کو کاٹتا نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگل کو نکل جائیں, آپ خلوت نشین ہو جائیں, آپ بالکل اپنی پریکٹیکل لائف کو ترک کر دیں, آپ شادی نہ کریں, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دو تین صحابہ نے یہ اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ بھائی میں ساری رات عبادت کروں گا میں سوؤں گا نہیں, دوسرے صحابی نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, تیسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا, آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے, یہ انبیاء کا راستہ نہیں, یہ قرآن کا راستہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے دیکھو, میری سیرت کو دیکھو, میرے کردار کو دیکھو کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا. یہ آپ نے اپنی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا, گویا کہ اسلام ہمیں اجتماعی زندگی میں عدل کی تلقین کرتا ہے تو ہماری اپنی ذاتی زندگی میں ہمیں اعتدال کی تلقین کرتا ہے, ماڈریشن کی تلقین کرتا ہے, اور وہاں پر ہمیں جسٹس کی تلقین کرتا ہے. دونوں پہلوؤں کو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے ساتھ دے کر چلنا ہے. جب ہم قرآن اور سیرت کے مطلوب انسان کی ہم بات کرتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں جسے ہم عام طور پر ہمیں اساتذہ پڑھایا کرتے تھے کہ یہ جزئیت پرستی اس کو کہتے ہیں, جزئیت پرستی, یعنی اسلام کو ٹوٹیلیٹی میں نہیں لینا, کلیت میں نہیں لینا, اسلام کو جزئیت میں لینا. یہ ہمارے یہاں جزئیت پرستی ہے کہ ہم اسلام کی ایک جز کو, ایک حصے کو لیتے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل اسلام ہے, حالانکہ وہ مکمل اسلام نہیں ہوتا, وہ اسلام کا فقط ایک جز ہوتا ہے. قرآن مجید نے جب نماز کی بات کی تو نماز کو بھی معاشرے سے کاٹ کر نہیں رکھا, کاٹا نہیں. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہوتی وہی ہے جو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور بعض علماء نے بھی جو لفظ فحشاء ہے نا, فحشاء فحش کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر, ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ولگیریٹی, آبسینیٹی, لیکن اہل عرب اس لفظ کو بخل اور کنجوسی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نماز تمہیں کنجوسی اور بخل سے بھی روکتی ہے اور تمہیں منکر سے بھی روکتی ہے. منکر سے مراد وہ گناہ کے کام جو علل اعلان انسان کرتا ہے, علل اعلان. من رآ منکم منکر, جو تم میں سے منکر کو دیکھے, گناہ کو دیکھے, گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے. ہمارے ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کی سب سے زیادہ کمزور ترین صورت و شکل ہے, علامت حالت ہے. اب یہاں پر منکر کا لفظ استعمال کیا تو نماز کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی, گویا کہ نماز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑ دیا معاشرت اور سماج کے ساتھ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی تلقین کی, نماز کے ساتھ ایتاء زکات کی بھی بات کر دی. قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی بات کی, وہاں پر اس کے ساتھ اللہ نے زکات کی بھی بات کر دی. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو خدا کا مطلوب انسان, سیرت کا مطلوب انسان فقط اس پہلو سے نہیں بنتا کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے, وہ زیادہ زکوٰۃ دینے والا ہے, زیادہ حج کرنے والا ہے, زیادہ روزے رکھنے والا ہے, بلکہ خدا اس کے رسول کا مطلوب انسان وہ بنتا ہے جو جس طرح اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے. جس طرح وہ اپنی ذات کا خیال رکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے اجتماع کا بھی خیال رکھتا ہے, تب جا کر خدا کا مطلوب انسان اور سیرت کا مطلوب انسان تیار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں
इस पर एक बड़ा तफसीली आर्टिकल मैंने चंद साल पहले लिखा था, उसमें ख़ास जो नुकात है वो मैं पेश करता हूँ। सबसे पहली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें तीन चार बातें मुलख़्स कह दीजिए, सीरत का जो एसेंस है वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रद्द अमल नहीं दिखाया, ज़िंदगी में रद्द अमल नहीं दिखाया, जिसे हम रिटेलिएशन या रिएक्शन कहते हैं, हुज़ूर की सीरत से यह हमें नहीं मिलती। वहाँ अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन आपके पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि रब की बारगाह में इनकी बर्बादी की दुआ कीजिए, आपने उनके लिए बददुआ नहीं। सहाबा इंतज़ार करते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हाथ उठाएँगे और इनको बददुआ देंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, अल्लाहुम्म हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये कौम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। ये फरमाते, और कभी ये फरमाते जब ये कहा जाता कि या रसूलल्लाह आप इनके लिए बददुआ करें, ये इतना हमें इस्लाम को नुकसान पहुँचाती हैं, आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुझे इस कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा, रद्द अमल नहीं, रिटेलिएशन नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक मिलता है। दूसरी बात, मुस्बत सोच। किसी हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत सोच को तरक नहीं फरमाया, हमेशा पॉजिटिव। और यही तालीम हमारे लिए कि हर हाल में, हर हालत में, हर माहौल में, हर तरह की सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में, हमें इस बात की तलकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है कि बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोच। आपको मालूम है सुलह हुदैबिया का वाक्य हमारे सामने आता है कि जब वो कुफार व मुशरिकीन के जो नुमाइंदा वो साहब थे वो आए, अब जब सुलह हुदैबिया लिख लिया गया तो लिखा गया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कहा गया कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर यही हमने मानना था हमारे इख्तलाफ फिर आपसे क्या था। कुफार व मुशरिकीन ने कहा सहाबा इकराम मौजूद है, लेकिन आपने फरमाया हज़रत अली से कभी इसको मिटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजारिश करते या रसूलल्लाह मैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ये मिटा सकूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर खुद उसको मिटाया। आपको मालूम है कि सुलह हुदैबिया ने जो शिकें रखी गई, जो प्रोविजंस थी, उसमें ज़ाहरी तौर पर ऐसे लगता था कि जैसे मुसलमानों का उसमें नुकसान है, इस्लाम का नुकसान, इसलिए उसने एक शिक ये थी कि अगर कुफार की तरफ, मुसलमानों की तरफ से कुछ जाएगा तो कुफार उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन जो कुफार की तरफ से मुसलमानों के पास आएगा वो मुसलमान वापस करेंगे। उसी वक्त अबू जंदल आ गए, अबू जंदल बेड़ियों में झगड़े हुए थे हथकड़ियों में, और उनके बाजू और उनके टांगों से, टखनों से लहू बह रहा था, इस हालत में वो सब सहाबा को रहम आया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह क्या हम सच्चे नहीं हैं, अगर हम सच्चे हैं तो फिर हम इनकी शरायत को क्यों माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्त लिख दी। एक बात हमें इससे ये भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा फरमा दिया उस वादे की पासदारी फरमाई, हमें यह भी सबक मिलता है वादे की पासदारी फरमाई। वादा यही हुआ था कि कुफार की तरफ से कोई आएगा तो वो वापस जाएगा, और अगर उनकी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कुफार की तरफ जाएगा तो कुफार किसी मुसलमान को वापस नहीं करेंगे। आप फरासत नबूवत देखिए, यानी हम जैसे लोगों के लिए मुस्बत एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आपने इस मुआहदे को जो लिख दिया था आपने इस शिप को नहीं बदला, उस मुआहदे पर कायम रहे, और फिर आपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को भी उस पर राज़ी किया। अब हुआ क्या, फकत दो तीन साल का अरसा, इससे भी कम अरसा बीता कि सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर दिया, यानी सुलह हुदैबिया के बाद जो मुसलमान उनके पास जाते वो मुसलमानों को वापस न करते, जो मुसलमान वहाँ पर रह गए
उन्होंने वहाँ इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, इस्लाम की दावत का काम शुरू कर दिया। 2-3 साल के अरसे में हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और ख़ुद फिर कुफार और मुशरिकीन हुजूर के पास आते हैं और हाथ जोड़ कर इस सुलह हुदैबिया को ख़त्म कराते हैं। इसलिए कि उनको डर ये पड़ गया था कि अगर इसी तरह इन्हीं शिकों पर अमल दरामद होता रहा और इसी तरह मुसलमान हमारे पास रहे तो पूरा का पूरा मक्का जो उनसा है वो मुसलमान हो जाए और हमारी ताकत और कुव्वत ख़त्म हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि मुस्बत सोच से ही तामीर पैदा होती है। वक्ती तौर पर हालात की खराबी भी होती है, वक्ती तौर पर ये मसाइल सामने आते हैं, इसलिए हमेशा ये बात याद रखिए कि लीडर वही होता है जो विजन रखता है, जिसके पास बसीरत होती है, एक्सपोजर होता है जिसके पास। वक्ती तौर पर कौम महसूस करती है, आपको मालूम है कि सुलह हुदैबिया पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का क्या अमल था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने अहराम खोल दो और जानवर ज़िबा कर दो, सहाबा खामोशी से बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा से पूछा कि उम्मे सलमा क्या किया जाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत समझदार खातून थी, उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आप कहिए नहीं, उठ के कर डालिए, अहराम खोल दीजिए और कुर्बानी कर दीजिए। बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठे, आपने अहराम खोला, आपने कुर्बानी की, तमाम सहाबा ने फिर उसी तरह अमल करना शुरू कर दिया। इस सीरत से हमें ये बात भी समझ में आती है कि फ़कत बोलना काफ़ी नहीं होता, अमल भी ज़रूरी होता है। इनकलाब दुनिया में जो आते हैं वो किरदार से आया करते हैं, गुफ्तार से नहीं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो आप खड़े होकर खुतबा पढ़ा, उसके बाद खामोश हो गए। लोग इंतज़ार में रहे कि भाई अभी सैयदना उस्मान गनी कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे। फ़कत एक जुमला बोला और वो जुमला बोलकर वापस आकर नीचे बैठ गए। आपने फरमाया कि हम बोलने वालों में से नहीं करके दिखाने वालों में से, फ़कत ये बात। मामला यही है कि किरदार बुनियादी चीज़ है। सीरत हमें ये बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द अमल नहीं हमेशा अमल करके दिखाया। रद्द अमल हमेशा शिकस्त खुर्दा जो सोच होती है, जो अपनी शिकस्त को मान ले वो रद्द अमल होता है। या दूसरे नंबर पर यूँ कहने की दूसरी बात कि जो अपने आप किसी को बड़ा तस्लीम कर लेता है तो वो हमेशा रद्द अमल में आ जाता है। इसलिए जो जेन्युइन अप्रोच रखता है, सोच रखता है, असल सोच रखता है, उसके किरदार में रद्द अमल नहीं हमेशा अमल होता है। तो एक बात मैंने ये बयान की, दूसरी मैंने मुस्बत सोच के हवाले से कहा। तीसरी बात जो हमें मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़्म इज्तिमाई को कभी नहीं छेड़ा था। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी हम इस्लामिज़्म की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो सोसाइटी का एक राइज नज़्म होता है, नज़्म इज्तिमाई होता है, सबसे पहले हम उसको जाकर स्ट्राइक करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि उससे फसाद जन्म लेता है, सोसाइटी का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लग जाता है, जिससे माशरे में जो खैर हम पैदा करना चाहते हैं उस खैर के मुकाबले में इतना शर ताकत में आ जाता है कि वो खैर का तसव्वुर ही ख़त्म होकर रह जाता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब जो अलामुल मुक़िरीन है, जिसका हवाला हज़रत अल्लामा इक़बाल भी अपनी किताबों में कई मकाम पर अपने खुतूत में देते हैं, अलामुल मुक़िरीन में बड़ी अच्छी बात अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में शर कभी भी इतना ज़्यादा शरीर लोगों की वजह से नहीं फैला। दुनिया में तखरीब और शर इतना तखरीबकार और शरीर लोगों की वजह से नहीं फैला जितना शर और तखरीब अमर और नवाही के गलत तसव्वुर से फैला। अमर और नवाही के गलत तसव्वुर से जितना नुकसान इस्लाम को, मुस्लिम माशरों को हुआ है, इतना नुकसान किसी और शरीर के शर से और तखरीबकार की तखरीब से नहीं पहुँचा। ये बड़ी आम बात है और बड़ी पते की बात है और बड़ी गहरी बात है। वो फरमाते हैं कि किसी जगह पर अमर और नवाही फ़र्ज होता है, कहीं पर वाजिब होता है, कहीं पर सुन्नत, कहीं पर मुस्तहब, और फरमाते हैं कि किसी मकाम पर वो हराम भी होता है, हराम भी होता है बाबर नवाही। वो कहते हैं कि इस गलत तसव्वुर की वजह से उम्मत में नुकसान उम्मत को पहुंचा है। इससे
कितने सौ साल पहले वो ये बात कह गए, लेकिन बदकिस्मती से ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई। मैं गुजारिश कर रहा था, मैं छोटी सी मिसाल इस पर आपको दे देता हूँ कि जैसे आप नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आप नमाज के लिए आपके आपका बेटा है, आपका दोस्त है, जब आपको उससे तवक्को ये है कि अगर आप उसको कहते हैं कि उठो मेरे साथ नमाज पढ़ने चलो, ये अमर है, एक आप उसे कह रहे हैं, हुक्म देते हैं कि मेरे साथ चलो नमाज पढ़ने, अगर आपको इस बात का डर है कि वो इनकार कर देगा, तो आप उसे कभी ये न कहें कि उठो नमाज पढ़ो, ठीक है ना जी। ये एक हिकमत का पहलू, उसका तरीका फिर क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप उसको बता देते हैं कि बेटा मैं नमाज पढ़ते हुए आता हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें आप मेरे साथ चलें। ये मुख्तलिफ अंदाज होते हैं बात कहने का। हमारा मामला ये है कि हम सादा दिल लोग हैं, हम इनके जो हिकमत भरे पहलू हैं, हिकमत बालिगा है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती। हम फकत सतहियत के साथ एक बात को समझते और दूसरों तक पहुँचा देते, और हम ये समझते कि शायद इस तरह हम दीन का तकाजा जो उनसा है उसको हम पूरा कर लें। ये चंद बातें जो उनसी हैं ये मैंने बयान की कि मतलूब इंसान जो कुरान और सीरत का है वो कैसा इंसान है। कुरान और सीरत का मतलूब इंसान टोटल अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्लाम को गालिब करना, ये इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यही दरहकीकत खुदा और सीरत का मतलूब इंसान है। किसी ख़ास पहलू से या किसी ख़ास जिहत से नहीं, बल्कि वो मतलूब इंसान है कि जो अगर नमाज पढ़ता है तो ज़कात भी देता है, अगर वो ज़कात देता है तो वो जायज़ कमाई से ज़कात देता है, वो अपनी अपना कारोबार और अपनी तिजारत जायज़ तरीके से करता है, अगर वो शब बेदार है, कायमुल्लैल है, अगर वो रोज़ा रखने वाला है तो वो लोगों के हुकूक भी अदा करने वाला है। ये सारे मामला जिस इंसान के दुरुस्त होते हैं और जो खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत और खौफ खुदा रखता है, दरहकीकत वही खुदा और उसके रसूल का मतलूब इंसान बन जाता है। अब बड़ी अहम हदीस, ऐसी हदीस हमें कम सुनाई और बताई जाती हैं, आप हैरान होंगे कि ऐसा इल्मी मवाद और ऐसी अहादीस भी कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं जिनको बयान नहीं किया जा रहा। एक सहाबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो सहाबी से हुजूर पूछते हैं कि बताओ वो फलां शख्स कैसा है। वो अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कायमुल्लैल और साइमुद्दहर है, सारा रोज़े की हालत में दिन गुजारता है और रात को जागता है। अब हुजूर अलैहि सलाम ने दूसरा सवाल किया कि तवज्जो तलब ये बात, आपने दूसरा सवाल ये किया, आपने फरमाया कि वो खाता पीता कहाँ से, खाता पीता कहाँ से, उसका उसका माश का जरिया और वसीला क्या है जो सारा दिन रोज़े रखता है, जिसम नकाहत का शिकार हो जाता है। हम फकत रमज़ान में रोज़े रखते हैं, लेकिन आप देखिए कि रमज़ान में रोज़े रख कर कितने हमारे कारोबारी तजारती और माशरती मामला होते हैं जो जिनको हम तय नहीं कर पाते, वो हमारी मसरूफियत रमज़ान में किसी हद तक ठप हो जाती है, मसरूफियात हमारी रुक जाती है, मामला रुक जाते हैं। तो जो शख्स सारा दिन रोज़ा रखेगा और रात को इबादत करेगा तो वो खाएगा कहाँ से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि वो खाता पीता कहाँ से है, उसके माशी मसाइल कैसे हल होते हैं। तो साहब अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक भाई है जो मेहनत मजदूरी करता है, वही उसको खिलाता पिलाता है, वो इबादत करता है, रोज़े रखता है, उसका भाई जो उनसा है वो उसको खिलाता पिलाता और उसकी माशी ज़रूरतों को पूरा करता है। हदीस पाक के अल्फाज़ हैं कि हुज़ूर ने फरमाया अखूहु अफ़ज़लु मिन्हु, तवज्जो तलब है ये अल्फाज़, अखूहु अफ़ज़लु मिन्हु, आपने फरमाया कि वो जो मेहनत मजदूरी करने वाला है ना, वो भाई इस इबादत गुजार भाई से ज़्यादा अफजलियत रखता है, फजीलत रखता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स हमारे माशरे में मज़हब के नाम पर, रूहानियत के नाम पर लोगों की कमाई पर पलता है, लोगों की कमाई पर चलता है, सारे मसाइल उसके ज़ाती ख़ानदानी सारे मसाइल, और वो ये कहता है कि जी मैं मज़हब की वजह से मैंने अपने आप को इस काम से अलहदा कर लिया, लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि ज़्यादा फजीलत कारोबार में है, तिजारत में, हलाल कमाई में है, मेहनत में है, मजदूरी में है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने
जो ताजर सुद्दूक है, हदीस के अल्फाज हैं कि जो सच्चा ताजर है, ईमानदार ताजर है, हुज़ूर रसूलुल्लाह ने फरमाया माल अम्बिया व सिद्दीकीन व शुहदा, कि वो कल क़यामत के दिन अम्बिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ये पहलू मद्देनजर रखने की ज़रूरत है हमें। हदीस में कसरत से ऐसा मवाद मौजूद है कि जिसको आज कोट नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता। आज हमने एक ऐसा तबका पैदा कर दिया कि एक तबका देने वाला और दूसरा तबका लेने वाला। ये जो तसव्वुर है, ये हमारे आइम्मा, हमारे उलमा, हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं था। आप अगर असलाफ की बात करेंगे, आइम्मा की, फुकहाए किराम की, वो सब अपना बिजनेस करते थे, काम करते थे, वहाँ से उनकी गुजर औकात होती थी। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात, बहुत से वाकयात मशहूर हैं। आप कपड़े का कारोबार करते थे, क्या इन आइम्मा से बढ़कर भी किसी आलिम ने इस्लाम की खिदमत की है? इतना इल्मी मवाद इन्होंने दिया, इतना काम किया, इज्तिहाद किया, क्यास, और एक बहुत बड़ी इन्होंने इल्मी मजलिस कायम की, जिसमें इमाम अबू हनीफा की मजलिस में 250 उलमा आते थे, जिनके साथ वो करंट अफेयर्स पर, असली मसाइल पर गुफ्तगू करते थे। उन मसाइल पर गुफ्तगू होती और जिसकी राय ज़्यादा साहिब होती, दुरुस्त होती, उसकी राय को कबूल कर लिया जाता, वो फिर फतवा में और किताबों में और तहरीर में उस फतवे को ले आते थे। इमाम मुनीफा कपड़ों का कारोबार करते थे, कपड़े का। आपके मुलाजिम ने, आप अपने मुलाजिम को कहकर गए कि भाई अगर ये कपड़ा वो खरीदने आए तो खरीदने वाले को बता देना कि इसमें ये कमी है, नक्स है, ये फरमाया। लेकिन मुलाजिम ने बताए बगैर उसको बेच दिया। जब आप आए तो आपने पूछा कि भाई वो जो कपड़ा था वो बिक गया, लेकिन तुमने क्या खरीदने वाले को बताया था कि इसमें ये नक्स है? उनका जी मैंने बताया नहीं। आपने फिर उस खरीदने वाले को बुलाकर उसकी कीमत वापस की, ईमानदारी भी सिखाई, इल्म भी फैलाया, हदीस की खिदमत भी की, कुरान की भी खिदमत की। तो मामला अर्ज करने का ये है कि असल जो किरदार इस्लाम पेश करता है, वो किरदार ये है कि भरपूर माशरती ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी। अगर आप बिल्कुल खलबत में जाकर किसी जंगल में बैठ जाते हैं, इस तरह तो सब गुनाह से बच सकते हैं, खलबत में जाकर बैठ जाए। असल मामला ये है कि जिसे तकवा कहा गया, जब ये पूछा गया हज़रत उबै बिन काब से तकवा क्या है, तो आपने फरमाया कि तकवा ये है कि तुम शाहराए ज़िंदगी पर चलो और इस तरीके से चलो कि जो ज़िंदगी की गलासतें और निजासतें हैं उससे तुम्हारा दामन ज़िंदगी गलीज ना हो, नजस ना हो, निजासत ना लगे, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करो, इसी का नाम तकवा। तकवा की ये तारीफ नहीं की गई कि आप बिल्कुल दुनिया को तरक कर दें, तो हकीकत में वही अल्लाह उसके रसूल का पसंदीदा इंसान है कि जो भरपूर ज़िंदगी माशरती भी गुजारता है, जहाँ वो नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज भी करता है, रोज़े रखता है, वहाँ पर वो अपनी माशरती और मामलाती ज़िंदगी को भरपूर तरीके से और इंसाफ और अदल पर मबनी पसंद करता है। अब एक और पहलू जो आखिरी मेरी गुफ्तगू का हिस्सा है, वो ये है कि हम किस तरह मतलूब इंसान बन सकते हैं। एक तो सीधा सीधी सी बात है कि देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है जो आप सबसे सुनते हैं, मुझसे भी आप सुनेंगे, वो ये है कि हम कुरान और सीरत, कुरान और सीरत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ें, हम समझें कुरान और सीरत। सीधा सा जवाब तो ये, लेकिन आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो आदमियों में जवाब देता है, क्योंकि हमारी कुछ तबीयत ऐसी है कि हम मौजज़ाती तबीयत रखते हैं, और हमारा मामला ये होता है कि कोई मौजज़ा रुनुमा हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि अगला कौम बदल जाए। इसलिए कि हम जिस तारीख को पढ़ते हैं, मुस्लिम तारीख को, वहाँ पर हुक्मरान वो बने जो सिपा सलार थे, जो घोड़ों पर बैठ कर आए, कत्लो गारत की, खून बहाया और उस कौम को माकूम करके वहाँ पर सुल्तान बनकर बैठे, बादशाह बने और कुछ अच्छे काम भी कर दिए। हम इस तारीख को पढ़ते हैं, लेकिन जबकि आज का जो दौर है वो दौर है रिफॉर्म्स का, सोसाइटी को चेंज करने का। हम अभी तक इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद कोई एक शख्स आए, पाकिस्तान की जो 70 साल तकरीबन जो तारीख है वो इसी तरह ही हमने बसर की है, कि शायद कि जो गैर जमहूरी तरीके से हुक्मरान आए, मुमकिन है कि वो हमारे मुल्क का कुछ भला कर जाए।
हम इस इंतज़ार में रहे कि फ़लाँ जनरल आया, फ़लाँ हुक्मरान आया, फ़लाँ आमिर आया, शायद वो हमारे मुल्क को बेहतर कर जाए, तो बेहतरी ऐसे नहीं है। बेहतरी मौजज़ाती तरीके से नहीं आएगी। बेहतरी आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस उन उसूलों के ताबे बेहतरी आएगी जो उसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बयान किया, उन उसूलों के तहत बेहतरी आए। वो क्या उसूल है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इल्म से नवाजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो असमा सिखाए हैं, असमा, वो असमा क्या है? मुफस्सिरीन किराम को अगर आप पढ़िए, वो इसकी शरह में लिखते हैं कि वअल्लमा आदम अलअस्मा, यहाँ असमा से मुराद तकवीनी उलूम है, यूनिवर्सल नॉलेज, कायनात के बारे में जो इल्म है ये हकीकत में असमा है। मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान किया। इसलिए कुरान पाक ने उलमा उनको कहा जो कायनात में गौर व फिक्र करने वाले हैं माजहब के साथ, बाकी जो मजहबी तौर पर जामियात से पढ़ कर आने वाले या दूसरे ज़राए से जो मजहब का इल्म रखने वाले हैं, कुरान ने उनके लिए अहबार और रोहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अहबार और रोहबान का, मशायख़ और उलमा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने, जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा। अगर इन मकामात को आप पढ़ कर देखें तो रब का खौफ उन्हीं में पैदा होता है जो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, उनमें खशियत पैदा होती है, रब का रोब पैदा होता है, दबदबा पैदा होता है। इसलिए आप देखिए कि साइंटिस्ट एक जो मुलहिद भी है, जब वो साइंस को पढ़ता है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, आखिर में वो यही होता है कि वो इस्लाम को कबूल करता है। अगर इस्लाम को कबूल ना करे तो वो कम अज़ कम खुदा की ज़ात पर ज़रूर यकीन रखता है। इंसानी जिस्म का जब वो मुताला करता है कि कितना डेलिकेट और कितना नाजुक सिस्टम है इंसान के वजूद का, दुनिया में जितनी भी मशीनें वजूद में आई वो इंसानी वजूद के मुताला करने के बाद आई, इंसानी वजूद के मुताले के बाद। जब एक फिज़िक्स का माहिर, एक साइंटिस्ट जब इंसानी वजूद का मुताला करता है, वो हैरान होता है कि ये इंसान, इंसान का दिल, उसके फेफड़े, उसका जिग्र, उसका सारा सिस्टम, ये ब्लड की सर्कुलेशन, ये सारा निज़ाम, ये कैसे चल रहा है, कितना नाजुक सिस्टम है कि ज़रा सा भी कहीं पर कोई इम्बेलेंसमेंट पैदा हो इंसान बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है, कितना नाजुक सिस्टम है। जब वो इसको देखता और इसको पढ़ता है तो वो अल्लाह की ज़ात से मुतासर होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन उसका बढ़ता है। तो कुरान ने इल्म को उलमा कहा है। वैसे इल्म का मतलब तो जानना है, वो तो आप किसी को भी आलिम कह सकते हैं। जी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मतलूब इंसान, एक तो वो पहलू हमारे सामने आ गया जो कुरान और सीरत ने जो बयान किया वो मैंने आपके सामने रखा। कुछ बातें मैं प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ, इससे बात हमें ज़्यादा समझ आती है। एक मिसाल मैं अक्सर, जो बात मुझे बहुत हिकमत से भरी और बड़ी बसीरत अफरोज बात जो मुझे नज़र आती है, वो बात हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बात, वो मैं हमेशा अपनी मजालिस में और अपनी महाफिल में ज़रूर कोट करता हूँ। बड़ी आम बात है कि हम क्यों ना खुदा के मतलूब इंसान और सीरत के मतलूब इंसान बन सकें, क्यों ना हम खुदा और उसके रसूल के मंजूर नज़र हो सकें, क्यों ना हम वो करेक्टर, वो किरदार और अखलाक अपने अंदर पैदा कर सकें। ये चंद मिसालों से मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ, इससे पूरी नफ्सियात आपके सामने आ जाएगी। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबकी मग़फ़रत फरमाए और रहमतें फरमाए, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग। बदकिस्मत ये है कि हमने इन उलमा को एक दायरे में बंद कर दिया, जबकि ये उम्मत का ज़खीरा है, ये उम्मत का वर्षा है। सारी उम्मत को इन उलमा से इस्तेफादा करना चाहिए। वो मसलक के बरेलविया के हैं, जो बंद के हैं, वो आले हदीस हैं, वो आले तशय्यो है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया हुआ है, जिन्हें हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया है। हम बस जिस मसलक से हो गए, हमने बस उसी मसलक के उलमा को पढ़ना, उससे बाहर नहीं निकलना, जिसकी वजह से ये जो एक तासुब हमारे यहाँ पैदा हुआ, इसी ने, इस रवैये ने तासुब को जन्म दिया है। आपको मालूम होगा और हमें हमेशा यूनिवर्सिटी में हमें असातिज़ा ये पढ़ाते रहे, बताते रहे कि तहजीब हमेशा वही दुनिया में फलती फूलती है जिस तहजीब के मानने वालों में तासुब नहीं हुआ करता। जिस तहजीब के मानने वालों में तासुब आ जाए
अपने फिरकों तक, फिरकों से फिर मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक में चला जाए या कौमियत की बुनियाद पर तकसीम हो जाए, तो फिर वो तहजीब कभी दुनिया में परवान नहीं चली। मगरिब की तहजीब के बारे में असातिज़ा ने हमेशा कहते थे कि अगर वो दुनिया में फैल रही है, बुरी है, अच्छी है, हम इस पर नहीं बात कर रहे, उसके फैलने की वजह यह है कि उसने दुनिया के हर शख्स को वेलकम कहा है और बगैर तासुब के तफरीक के, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, ज़रदुश्त है, वो बुद्धिज़्म को मानने वाला है, वो मुल्हिद है, वो सेकुलर है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने एक मल्टी नेशनल सोसाइटी वजूद में वो ले आए, हर मज़हब वाले को, मसलक वाले को उन्होंने वेलकम कहा। बस एक दो बातें वो नहीं होनी चाहिए, वो मुतशद्दिदाना सोच को वो पसंद नहीं। आप अपने इख्तलाफ राय रखें, आप गुफ्तगू करें, सब कुछ करें, अपने सेंटर बनाएं, मसाजिद बनाएं, आप हर तरह का काम करें, लेकिन तशद्दुद को आप सेकुलर। इसलिए हमारे असातिज़ा कहते थे कि वो तहजीब मगरिब फैली और मजीद फैलेगी अगर मुसलमान इस तासुब में फंसा रहा कि ये अरबी है, ये अजमी है, ये ईरानी है, इसका ताल्लुक हिंद से है, अगर इस तकसीम में मुसलमान रहा तो मुस्लिम तहजीब, इस्लामी तहजीब सुगड़ जाए, महदूद होकर जाए। और मगरिब तहजीब इसलिए फैल रही है कि उन्होंने अपने और गैर का फ़र्क मिटाकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात की। हम इन अकाबिर से, बड़े लोगों से हम इस्तेफादा इसलिए नहीं कर सके बदकिस्मती से कि हमने इनको कह दिया कि ये देवबंद के उलमा हो, ये बरेलविया के उलमा हो, ये अहले हदीस उलमा हो। अहले हदीस उलमा का इतना बड़ा काम, मेरे पास बहुत सी किताबें, इमाम इब्ने तैमिया पर मौलाना हनीफ नदवी का बड़ा आला काम, उन्होंने इतना अच्छा काम किया हनीफ नदवी साहब ने, उसको आलो सुन्नत के लोगों ने, बरेलवी या देवबंदी मसलक के लोगों ने ना पढ़ा, इसलिए कि वो अहले हदीस है। तो ये जो रवैया और तरीक़ार है ये इल्मी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर कोट करूँगा डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब, सीरत की किताब में उनके साथ लाया हूँ, महाजरात सीरत। वो एक मकाम पर विलियम बेयर जिसने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी, उसने उसमें कुछ एतराज़ात भी किए सीरत। डॉक्टर महमूद गाजी ने अपने लेक्चर में महाजरात सीरत में जब विलियम बेयर की बात की, बड़े अदब से, यानी कोई गाली गलौज का अंदाज़, बदतमीज़ी का अंदाज़ नहीं, ऐसा अंदाज़ नहीं, जब उन्होंने जवाब, उन्होंने बात कर ली तो सवाल करने वाले ने उनसे सवाल किया कि आपने अपने लेक्चर में एक मुस्तशरिक की बात की है, वो खबीस कौन सा है, कौन है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉक्टर महमूद गाजी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये इल्मी ज़ुबान नहीं, विलियम बेयर के नज़रियात से मुझे भी इतफाक़ नहीं, मैं भी मुतफिक नहीं, मैं भी इख्तलाफ़ करता हूँ उसके नज़रियात से, और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो एक गैर मुस्लिम होने के नाते जो सोचता है वो सोचता रहे, लेकिन क्या फरमाया कि ये इल्मी अंदाज नहीं। अगर हम इल्म वाले ही दीवारें खड़ी कर लेंगे कि ये फ़लाँ मसलक का, ये फ़लाँ मसलक का, तो हम इससे आगे मुस्तशरिकीन तक कैसे पहुँचेंगे। आजकल हम ओरिएंटलिज्म पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अब वो ओरिएंटलिज्म में हम देखते हैं इस इश्राक में मुस्तशरिकीन ने जितना काम किया है, आप हैरान होंगे, उनके काम से इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी मेहनत से इनकार कोई नहीं कर सकता जितनी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया। एक किताब मैंने पिछले दिनों खरीदी, बर्नार्डियोस की किताब है, द मुस्लिम डिस्कवरी द यूरोप, इस गालिबन इस नाम से किताब है, वो उसके प्रीएम्बल में, प्रीफेस में वो लिखता है, वो कहता है कि मैंने इस किताब और अपने इस नज़रिए को मिच्योर करने में 35 ईयर्स मैंने स्पेंड किए हैं, 35 साल जो सोच मेरी डिवेलप होती चली गई वो मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में लोगों के सामने रखी और बात की उस पर, मेरी तहकीक दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और मैंने जो आज ये किताब आपके सामने रखी है ये मेरी 35 साल की मेहनत है, और उसमें से बहुत कुछ मैंने अमेंडमेंट की और बहुत कुछ मैंने इसके अंदर डाला और आपके सामने रखी ये किताब। तो ये जो मेहनत है इल्म की दुनिया में, ये तासुबात नहीं चलते, कौमों की ज़िंदगी में ये तासुबात नहीं चलते। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारों में आज भी ये तासुब मौजूद है कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, इसको आगे नहीं आने देना, और ये हमारा हम मसलक है, ये आगे आए।
ये तसव्वुरात और ये नज़रियात हमारी जड़ों में बैठ गए, इन्होंने हमें खोखला करके रख दिया है। मैं यार से कर रहा था कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी साहब के पास गए, अभी तबलीगी जमात का वजूद नहीं था। उन्होंने जाकर ये अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक इस तरह की तबलीगी जमात बनाना चाहता हूँ जो लोगों को इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सिखाएँ और लोगों को नमाज और इनने की कामों की तरफ लाएँ। पहले तो ये बात मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, मुझे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के ख़ानदान से, उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन्होंने ये बात बयान की है। वो कहते हैं कि पहले तो मना फरमाया कि ना बनाए, और फिर बाद में इजाज़त दी तो तीन शरायत के साथ इजाज़त दी, तीन शरायत के साथ। और ये तीन शरायत अगर आज हमें समझ आ जाएँ तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा खुदा और उसके रसूल का मतलूब इंसान बनने में। मतलूब इंसान बनने में बहुत रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। तीन बातें फरमाई, फरमाया अगर तुम बनाना चाहते हो तो फिर इन तीन बातों का ज़रूर ख्याल रखना। पहली बात फरमाया, पहली बात ये है कि दो चार महीने के बाद आवाम को कभी भी वाज और खिताबत के मकाम पर न खड़ा करना, आवाम नास को कभी वाज और नसीहत के लिए न खड़ा करना। एक ये बात है, ये मनसब उलमा का है, कुरान और हदीस का इल्म रखने वालों का ये मनसब है, वो कुरान और हदीस की बारीकियों को, जुज़ियात को और उसके मुसअदों को जानते हैं, किसी आम आदमी को आवाम नास के सुपुर्द ये तबलीग का शोभा न करना। एक बात, दूसरी बात फरमाई, फरमाया कि लोगों से उनके कारोबार न छुड़वाना, बड़ी आम बात है, लोगों से उनके कारोबार न छुड़वाना, उनके दुकानों से न उठवाना। तीसरी बात की फरमाया कि दीन की तरजीहात को कायम रखना, दीन की तरजीहात को कायम रखना, यानी जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ रहे, जो वाजिब है वो वाजिब रहे, जो सुन्नत मुस्ताहब है वो मुस्ताहब रहे। इस तरतीब को उल्टा ना करना, ऐसे ना करना कि जो मुस्तहब हो वो फ़र्ज़ बन जाए कौम की नज़र में, जो फ़र्ज़ हो वो मुस्तहब बन जाए। ये तीन बातें आप देखिए, ये फरमाई हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने, ये तीन बात बड़ी अहम बातें। मैं कहता हूँ कि उनको हकीमुल उम्मत कहा गया, कोई गलत नहीं कहा गया, कितनी गहरी बात वो कह गए। आज हमारा सारा मसला ये है कि हम तंजीम बनाते हैं, जमातें बनाते हैं मकासद को हासिल करने के लिए, फिर वही तंजीमें और जमातें हमारा मकसद बनकर रह जाती, फिर वही मज़ा बन जाती, उनमें नज़रियात जन्म लेते, वो नज़रियात फैलते फैलते फिर वही अकीदा बन जाता, और फिर उस जमात से, तंजीम से, ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लाम को फिर टोटैलिटी में बयान करने के बजाय वो फ़कत चंद बातों को दीन बनाकर पेश कर देते हैं। यहाँ होता क्या है कि फिर आपको बड़े मुतदय्यन लोग, मुतशर्रे लोग, उनके सामने दीन का फ़कत ये तसव्वुर रह जाता है कि वो मुतदय्यन हुआ तो उसने दाढ़ी रख ली, वो मुतशर्रे हुआ उसने टोपी पहन ली, वो ज़ाहरी आमाल फ़कत वो जो आसान है इनको आसान समझता हूँ, इसलिए कि हराम कारोबार छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हराम कारोबार से खड़ी की हुई बिल्डिंगों को वापस उनके हकदारों तक और गरीबों में तकसीम कर देना बड़ा मुश्किल होता है। सर सैयद के पास जब तवायफों ने जब यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहा तो लोगों ने कहा कि हम ये तवायफ इनका पैसा जायज़ नहीं है, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हम इनका पैसा बैतुल खला पे लगा देंगे, लैटरीने बना देंगे, उसकी भी तो ज़रूरत है। बात यह है कि जो पैसा कमाया, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक शख्स दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करके पैसा कमाए और जब उसमें खुदा खौफी और दीनदारी पैदा हो और फिर वो ये कहे कि नहीं, मैंने अब ये पैसा अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करना, ना अपनी औलाद पर, ये अरब है, ये खरब है, ये करोड़ है, लाख है, ये मैं अल्लाह के रास्ते दूंगा, मैं गरीबों और यतीमों पर इसको खर्च कर दूंगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है। हमारा दीन, हमारी शरा फकत चंद बातों से शुरू हो जाती है, वो जो आसान बात है जिससे कोई हमारे नफ्स पर असर नहीं होता, कोई तज़किया नफ्स नहीं होता,
ये वो चीज़ें हैं कि जो एक गिरोह खास तौर पर पैदा करता है। अर्ज करने का मकसद ना किसी पर क्रिटिसिज्म है ना तनकीद है, अर्ज करने का मकसद फकत ये है कि जब हम दीन को बराह रास्त खुद ना पढ़ेंगे, खुद ना समझेंगे। कुरान को वलफत कुरान अली जिक्र फारम मुद्दकर की बात करता है, और बदकिस्मती है कि हम कहते हैं कुरान मुश्किल है। अल्लाह का दावा कुरान में ये है कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने कुरान को आसान किया है, और हम कहते हैं कि कुरान को समझने के लिए आपको 55 घंटे की ज़रूरत है। मामला ये है कि ठीक है, कुरान की बहुत सी अभास ऐसी हैं कि जहाँ पर इंसान को बहुत कुछ बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी को तस्के नफ्स, एक आम आदमी को अपने मामला को दुरुस्त करने के लिए, एक आम आदमी को अपने अखलाक को बेहतर करने के लिए, एक आम आदमी को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को आदर पर कायम करने के लिए, इसमें कौन सा बड़ा फ़लसफ़ा मौजूद है? ये सारी तालीम हमें कुरान से मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलती है। अगर हम ये जो इस्लाम की तालीम पर पर्दे पड़ते चले गए, इसको जब तक हम बराह रास्त कुरान और सीरत को नहीं पढ़ेंगे, हम इसी तरह अपने अपने दायरों में बंद रहेंगे, और जो खुदा हमें जिस तरह का इंसान बनाना चाहता है, हम उस तरह का इंसान कभी नहीं बन पाए। एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अगर आपकी तरफ से सवाल होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनका भी जवाब दूँ। आखिरी बात, एक आलम दीन, उन्होंने तकरीर फरमाई। मैंने आपसे कहा ना कि जी मैं कुरान और हदीस पर सुन्नत पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, अब ये मतलूब इंसान ना बनना और कैसे बनना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँगा। उस आलम दीन ने, उन्होंने अपनी तकरीर में मुखालिफ मसलक के उलमा और लोगों को गालियाँ। जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा, नौजवान था मैं, और ये सारे रास्ते जिनसे हम गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी वक्त हम भी बहुत बड़े मुनाज़िरे इस्लाम थे, और ये सारे रास्ते देखे, उनको समझा, तय ये किया कि इन बातों से रिजल्ट और नतीजा कोई नहीं होगा, सिवाय उम्मत में इंतशार और इफ्तराक, सिवाय तकफीरी रवैये के अलावा उम्मत को फ़ायदा कोई नहीं पहुँचे इससे। इसलिए इरादतन अला वज्हिल बसीरत इन चीज़ों को तर्क किया, छोड़ा। अगरचे माशी नुकसान बहुत हुआ, इसे माशी नुकसान बड़ा हुआ, संभलते संभलते आज जाकर मैं माशी तौर पर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कुछ संभला हूँ कि जो अपने महदूद राय से अपनी आमदन को, इनकम को पैदा किया है ताकि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मैं जायज़ और हलाल तरीके से हम चल सकें। अगर जिस पर बड़ी मेहनत लगी, लेकिन अगर मुनाज़िरे इस्लाम होता मैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कम अज़ कम माशी तौर पर आज कोई परेशानी ना होती। अंग्रेज़ जो असूल देंगे ना, डिवाइड एंड रूल वाला, रोल के तकसीम करो और हुकूमत करो, बदकिस्मती से ये हर जगह यही कुछ हो रहा है, मजहब में भी यही कुछ है। अवाम को लड़ाओ, इनमें तफरका पैदा करो और इन पर हुकूमत करो। आज मैं ये कर रहा था कि छोटी उम्र थी, उनका लेक्चर सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी, तो उन्होंने जनाब मुखालिफ फ़िरके के शख्स को, उलमा को, चूँकि उस मोहल्ले में वो भी तकरीर करके गए थे, तो उनको फिर मुकाबले के लिए बुलाया गया था कि आप तशरीफ़ लाएँ और उनका क्या कहते हैं कि पत्थर का ईंट से या ईंट का पत्थर से जवाब दें, और ये फलाम मसला जो उनसे यहाँ पर फैल रहा है, गुमराह कर रहा है, लोगों को काफिर बना रहा है, बिदत और गुमराह और दलालत फैला रहा है, लिहाजा आइए इसका मुकाबला करें। तो वो आए तो हम भी सुनने चले गए, तो जनाब उन्होंने सीधी सीधी गालियाँ दी अपनी तकरीर में। तकरीर जब हुई तो हमने उनसे गुजारिश की, मैं था, मेरे साथ चंद नौजवान थे, हमने कहा कि मौलाना ये तो बड़ा बुरा है, मस्जिद में बैठकर आप अपनी गालियाँ दी, आप इख्तलाफ करें, तकरीर करें, सारा कुछ करें, लेकिन आपने गाली दी। अब देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि हवाला कहाँ से लाया जा रहा है। हवाला ये दिया जा रहा है कि कुरान में अल्लाह ताला ने भी तो मुशरिकों को गालियाँ दी, काफिरों को बुरा कहा है। अब वो आयत जो उन्होंने कोट की वो ये थी कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लील, कुरान में एक काफिर का जिक्र है, वो काफिर सूरत
सूरतुल कलम का हवाला मैं पेश करता हूँ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल के अजीम पर फाइज फरमाया गया। अल्लाह ने पहले ये फरमाया, फिर उसके बाद काफिर की निशानियाँ बयान की। तुल्लिम बाद हजार के सदीम के भाई ये काफिर कौन सा, ये हरामी है, इलीजिटिमेट है, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। अब ये जो अल्फाज जिसके लिए इस्तेमाल हुए, मुफस्सरीन किराम ने उलमा ने लिखा है कि जब ये कुरान में ये उतरा या आयत उतरी, उस शख्स ने जाकर अपनी माँ से पूछा कि भाई अल्लाह ताला ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुरान में अल्लाह ने ये वही उतारी और उसमें मुझे यूँ कहा गया, तो क्या ये बात सही है गलत है। माँ ने तस्लीम किया कि तू वाकई तो अपने बाप का नहीं, इस बात को तस्लीम किया। अब देखिए कि गाली गलोच में और हकीकत को बयान करने में बड़ा फ़र्क है। हम यहाँ पर भी मसलकी और तफरकी की लड़ाई में इस बात को भूल गए। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने गाली नहीं दी, अल्लाह ताला ने तो हकीकत को बयान किया है। गाली और हकीकत में ही फ़र्क होता है कि आप नाराज़ हुए, किसी को आपने मुँह से कुछ बोल दिया, दुश्नाम तराजी कर दी। अब वो जो दुश्नाम और सबोशतम जो आपने किया, अब ज़रूरी नहीं है कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता। आप गुस्से में आकर किसी को गलत अल्फाज बोल देते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। गाली होती वही है कि किसी पर ऐसी बात कह देना जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो। अल्लाह ताला तो जिस हकीकत को बयान कर रहा है वो तो खुद काफिर भी उसको मानता है, उसकी माँ भी मान रही है कि जो कुरान ने उतुल कहा कि ये हरामी है, तो ये हकीकतन वो ऐसा था, रब्बे सुजलाल ने तो हकीकत को बयान किया। लेकिन आप देखिए कि जब इंसान तफरका में पड़ता है, मसल की तासुब का जब शिकार होता है, फिरका वारियत में पड़ता है, तो किस तरह इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। अब कुरान मजीद ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया, और अखलाक को बयान करने के बाद बड़ी तवज्जो तलब है यह आया, फरमाया कि वद्दू लौ तुदहिनु फयदहिनून, ये लोग चाहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुदाहनत इख्तियार करें, मुदाहनत इख्तियार करें, तो ये भी मुदाहनत इख्तियार करें। अब मुदाहनत क्या है? मुदाहनत ये होती है कि अंदर से कुछ होना और बाहर से कुछ होना। अंदर से मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, जाहिर से मैं आपसे बड़े मुस्कुरा कर हंस कर मेरे चेहरे पर बड़े मुस्कुराहट है, बड़े चूँकि मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, ये मुदाहनत है, गिव एंड टेक जिसको कहते हैं। कुफार मुश्रिकीन ये चाहते थे कि पैगंबर आप मुदाहनत इख्तियार कर लें, आप जाहिर तौर पर हमारी शरायत को मान लें, हम आपकी शरायत को मान लेते पैगंबर को। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मुदाहनत नबी की शान के खिलाफ है। कुरान तो नबी के करैक्टर को, किरदार को इस तरह बयान करता है। आगे फरमाया बला तो अल्लाह महीन, ये जो जालिम है, ये दुश्मन जो शख्स है, ये बहुत कस्में खाने वाला, और फरमाया कि तू इस जलील की बात और कस्बे खाने वाले की बात को न मान। अम्मा अज़ीम मशाइन बिन अमीन, ये ऐब लगाने वाला है, ये चुगलियाँ लगाने वाला है। मन्ना इल खैर मौतदिन असीम, ये भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है। उतुल्लिम बाद अज़ाले का जलील, ये हरामी भी है और ये बड़ा शरारती है, शरीर है, शरारत में मशहूर है। यहाँ पर यह फरमाया अनकाना जामाल व बनीन, ये इसलिए इसके अंदर ये खराबियाँ हैं कि ये माल रखता है और बड़े इसके बेटे हैं, क्योंकि माल और औलाद की कसर ये इंसान को बार-बार गुमराह करती है और फिरौन बना देती है। वो समझता है कि मेरा इख्तिताम ही कोई नहीं। तो इन चीज़ों को कुरान ने बयान किया, लेकिन पैगंबर का अखलाक वो खुदा के जो पैगंबर को ये फरमाते हैं नकल आला खुल्क नज़ीम, कि ये खुल्क अज़ीम पर फाइज है और मुदाहनत से मना करता है, वो खुदा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी को गाली देगा? ये मसलक की बुनियाद पर यह सोच परवान चढ़ती है, हमें इस सोच से बचना चाहिए। इस्लाम की बात करें और कुरान और सीरत को बराह रास्त पढ़ने की कोशिश करें। कुरान को तर्जुमा कहीं से आप उठा लीजिए, कोई तफसीर आप उठा लीजिए, कुरान में मामलात, अखलाकियात, अकायद, इबादात, ये सब कुछ कुरान ने बहुत सादा और सिंपल तरीके से बयान किया है। कुरान में जब मैं आगाज़ में जो बात मैंने कही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माजी को अपने नबूवत पर दलील बनाकर पेश किया, इसमें कौन सा इतना बड़ा फ़लसफा, इतनी सादा सी बात। हर बड़े फ़लसफे को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, हर बड़े लिखे आदमी को, हाईली क्वालिफाइड को, एक मजदूर को, किसान को, काश्तकार को भी ये बात समझ आई, कितनी विजडम है इसमें कि अपनी जवानी को, नौजवानी को,
लड़कपन को अपने माजी को पेश कर दिया, भाई उसको देखो। ये कुरान इस तरह की आयात और दलायत से भरा पड़ा है। बदकिस्मती ये है कि कुरान को पढ़ने का तर्जुमा के साथ हमारे यहाँ कल्चर ही रिवाज नहीं पा सकता। हमें हमेशा ये कहा गया कि बहुत मुश्किल है, आप उलमा से सीखें, बेशक उलमा से सीखें, बहुत सी अभास, हमेशा एक्सपर्ट के पास इंसान जाता है, मर्ज़ है तो डॉक्टर से जाकर मशवरा करता है, लेकिन कम अज़ कम इंसान को अल्लाह ने इतनी तो समझ दी है ना कि वो चीज़ों के अच्छे और बुरे होने की तमीज़ तो कर ही सकता है ना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तरम हमारे रसूल साहब आपके सामने मौजूद कुरान और सिर्फ रसूल का मौजूद इंसान गुफ्तगू रखते थे। जो दोस्त सवाल करना चाहे वो तहरीरी हमारा तरीकाकार है, लिख के भी पा सकते हैं सवाल, लेकिन मौजूद के हवाले से अगर लिख के भेजते तो थोड़ा डेकोरम कैम लेगा वहाँ मेहरबानी है। पता है हनीफ साहब को सब दोस्त जो है ना रिटर्न नहीं प्लीज करें कागज दे देते। इस दौरान मैं एक टाइम जितने सवाल यहाँ तक आपसे शेयर कर लेता हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मई के लास्ट तीन दिन जो है खुल्फ़ राशिदीन के हवाले से एक लेक्चर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो जाए, यानी तीन दिन के लिए हम दो दो लेक्चर रोजाना अरेंज करें, एक सीरत कॉन्फ्रेंस की शिकर हो जाएगी और उसमें सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक घंटे के तीन दिन के लेक्चर होंगे और ज़ाहिर है हमारे लिए भी नमूना है हमारी शख्सियात हैं। तो आप दोस्तों से रवाज है कि वो इन्विटेशन वगैरह बैन वगैरह लग जाएंगे या पहाड़ा पर पहुँचेंगे, कोशिश कीजिएगा अपने साथ दोस्तों को भी लेके आए तश्म लेके आए। आप लिखे कागज़ नहीं पूछो मुझे कागज नहीं दिए दोस्तों। बाकी है कि एक तो ये सिलसिला हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आप अपने तौर पर भी अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, ये कोई भी पॉजिटिव काम जो आपको मुआशरे में बेहतरी का बायस बने, कोई भी तमीजी काम, लेकिन हर फर्द को करना चाहिए जो जहाँ बैठा हो। सवाल पढ़ देता हूँ। आपने फरमाया कि मौलाना इलियास को तीन चीज़ों से मना किया गया, क्या जमात इसके मुताबिक काम कर रही है? दूसरा, क्या लेक्चर से दीन पर अमल के असरात हैं अमली तौर पर उसमें दाखिल? ये लेक्चर है क्योंकि पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बेहतर तजिया कर पाएंगे अगर आप देखिए कि जमात उसके मुताबिक काम कर रही है नहीं कर रही। किसी के बारे में फैसला एक राय देना, किसी के बारे में कहना, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बेहतर ये कि हम खुद ही तजिया और एक जायजा हम लोग ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपने लेक्चर के हवाले से ली है, लेकिन इसका असरात बिल्कुल सोसाइटी पर मुतर होते हैं और ये बुनियादी काम है इल्मी तहकीकी और संजीदा फिक्र लोगों तक पहुँचाना और संजीदा बात लोगों तक पहुँचाना, ख़ासतौर पर हमारे माशरे में। और ज़रूरत इसकी, मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जो लेक्चर देते हैं तो यकदम उसके नतज जो उनसे हैं गुफ्तगू के इल्मी काम के सामने आते हैं। ये काम वो है कि जो सारा साल का काम है जो मुसलसल हमें जारी रखना है और इसी से तब्दीली सोसाइटी में हमेशा आती है। कन्फ्यूशियस ने बारे में कहा था कि अगर तुमने फसल उगानी है
मुझे 6 माह दे दो, किसी के लिए 2 साल दे दो। जब नस्ल की बात होकर नस्ल बनानी है तो फिर मुझे 1 सदी और 50 साल इससे ज़्यादा मतलब मुझे दो। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के असरार ज़रूर मुरतब होते हैं। मैं ख़ासतौर पर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात करता हूँ कि मैंने अवामी इज्तम आज कभी नहीं कायम किए और मैं ऐसे मजालस से और माफिल से हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर खालिफूनी तकरीरें या गुफ्तगू और एक ख़ास तर्ज पर जलसे होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरह की मजालस में मैं शरीक हूँ। तो मैंने देखा है कि लोग इससे मुतासर होते हैं, लोग आते हैं, लोगों को आदत भी बनती है उनके मुताले करने की, पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि लोग इस तरफ रागिब नहीं होते। हमारे उस्ताद हमेशा कहा करते थे कि आप देखें कि भूसा ज़्यादा तादाद में होता है और गंदम थोड़ी होती है। वो कहते हैं कि आज जब सोसाइटी में आप काम करते हैं तो आप कभी भी डिसअपॉइंट मत हुआ करें, इसलिए कि गंदम हमेशा थोड़ी होती है और भूसा ज़्यादा होता है, और वो जो गंदम में हकीकत में उसी की कीमत होती है, उसी की वैल्यू होती है। इसलिए माशरे को बदलने वाले, रिफॉर्म्स लाने वाले लोग, ये नहीं होता कि वो माशरे में ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन अगर जो वो थोड़ी तादाद में होते हैं लेकिन वो पूरी सोसाइटी में एक तब्दीली ले आते हैं। मिसाल के तौर पर वही लोग सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने का बायस बन जाते हैं। जब वो तब्दील होता है तो माशरा खुद तब्दीली की तरफ आगे चल पड़ता है। मैं ज़ाती तजुर्बे में कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ ताल्लुक़ रखा है, जिनको मैंने ये जैसे वो कहते हैं लत डालने वाली बात है, आदत डालने वाली, उनको मैंने आदत डाली है मुताले की, सोच से वो सोचने की, समझने की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आगे भी बहुत से लोगों को वो सोच और फिक्र दी है। अगरचि इस मामले पर 10 साल 12 साल लग जाते हैं, लेकिन ये है कि नतज आना शुरू हो जाए। अल्लाह आप पर रहमत फरमाए, इतना फरमा दे कि एक आम इंसान अल्लाह और रसूलुल्लाह का मतलब इंसान बनने की इब्तदा किस तरह या किस अमल से करें। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि इतदाल के साथ इंसान को ज़रूरत है चलने की। बुनियादी तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ खल्क के मामला से इंसान को करना चाहिए। खल्क के मामला में ये पहलू ऐसा है कि जो हमारा हमेशा कमज़ोर रहा है, हमने इस पर तवज्जो नहीं की। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम जब दीनदार होते हैं ना तो हम ज़ाहरी तौर पर दीनदार अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे रवैये हैं, हमारी एक अप्रोच कह लिए, एक टेंडेंसी या एक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड जो हमारा होता है, उसमें हमें तब्दीली नज़र नहीं आती। असल मामला ये है कि आप अपने एटीट्यूड और अपने एप्टीट्यूड को आप चेंज करें, वो बुनियादी काम है, उस पर हम तोड़ा मारें। यहाँ से हम शुरू करें। अल्लाह पाक ने अल-खल्क़ व याल्लाह फरमाया है कि मखलूक मेरा कुंबा है। अब खुदा के कुंबे को जो सताएगा, वो चाहे जितनी भी नमाजें पढ़े, जो मेरे बच्चों को सताए, मेरी फैमिली को तंग करे, वो चाहे मेरे जितना भी अजीज़ों में उसको कितना पसंद कर सकता है। अल्लाह ताला ने अहमियत को जगाया है कि मखलूक मेरा कुंबा है, हालांकि वो कुंबे से पाक खानदान से, लेकिन उसने हमें ये बात समझाई कि मेरा कुंबा है, इसका ख्याल करो। हमें यहाँ से आगाज़ करना चाहिए। सर, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आपने लेक्चर में कहा कि जो दीनी ज़िम्मेदारी और रमाय कराम की है, तो फिर आम आदमी को उसके हवाले से क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, बुनियादी तौर पर उलमा के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गैर सियासी किरदार। अगर आप गुज़श्ता तारीख को उठा कर देखेंगे, आपको मालूम होगा कि उलमा के इस किरदार से माशरे को खैर नहीं मिली। माजरत के साथ मेरा अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, आपके इख्तलाफ को पूरा हक, ये मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि आप मेरी राय को हक में रहना समझिए, ना मैं इम्पोज करने के लिए आता हूँ। मैं अपनी राय, अपनी बात पेश करती हूँ। मेरी बात लाखों करोड़ों लोगों से मुख्तलिफ बात होती है, और मुझे डर ये होता है कि मुझे उसके मुकाबले में जो रद्द अमल मिलना है, मैं उससे पहले ये बात कह देता हूँ कि ये मेरी राय है, हरफ आखिर नहीं, आप इससे मुख्तलिफ सोच सकते हैं। और उलमा की जो ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी माशरे में
तब्दीली रिफॉर्म्स की इल्म की अखलाकियात मोरलिटी की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को तब्दील करें, सोसाइटी को अखलाकियात पर कायम करें, अखलाकी कल्चर को बनाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी माशरे की इस्लाह के लिए उलमा सियासत में आए हैं, फरीक बनकर जब लोगों का सामना उन्होंने किया है तो लोगों ने उनको वैसे ट्रीट किया है कि जैसे अपनी गली के सियासतदान वो करते हैं, और बदकिस्मती से उलमा की तरफ से भी कभी खैर की खबर नहीं आई जब वो सियासत में आए। इल्ला माशाल्लाह सब उलमा ऐसे नहीं, बड़े पाक साहब अच्छे किरदार के लोग भी गुजरे हैं सियासत में, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है कि मैं उलमा के सियासी किरदार का हामिल हूँ। आवाम की जिम्मेदारी बहसीत मुसलमान जो जिम्मेदारी एक आम मुसलमान की है कि वो अपने अहवाल को बेहतर करने की कोशिश करें, नमाज का ख्याल करें, दूसरों के हकूक़ का ख्याल करें और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सीरत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें और ख़ुद समझने की और ख़ुद पढ़ने की इन बातों को कोशिश करें। इससे अगला सवाल है जी, आपने मुख्तलिफ मसालिक पर बात की है, एक आम मुसलमान को किस एक पर चलकर अच्छा मुसलमान बनना है, वो कौन सा रास्ता है? देखिए, कुल्ली खैर वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है, कुल्ली खैर इस्लाम में। ये तमाम मसालिक स्कूल ऑफ थॉट ये जुज़ी खैर पर मबनी है, जुज़ी हक पर मबनी है। आपको तलाश करना है हक कहाँ पर। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि दरियाफ्त करो हक को, हक कहाँ है उसको तलाश करो, ट्रुथ को ढूंढो। सहाबा इकराम ने भी तो डिस्कवर किया। अब गैर मुस्लिम जो इस्लाम को ढूंढता है, मैं एक गैर मुस्लिम को जानता हूँ, मैं डेनमार्क में था, वो भी मुसलमान नहीं हुआ था। उसको मैं देखता था कि उसने काफ़ी सारी किताबें लाती हुई होती थी अपने ऊपर और वो कहीं बाग में पार्क में जाकर बैठा होता था, किताबें स्टडी कर, इस्लामी तारीख पढ़ी, हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ा, कुछ पढ़ी, सब कुछ उसने पढ़ा। उसको मैंने देखा कई सालों के बाद उसने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को पढ़ा पहले से। ये जो चीज़ है ना जी, हमें तहकीक तफाहुस और तफ्तीश की हमें आदत होनी चाहिए, खोज लगाना ढूंढने। ये जज्बा जब हमारे अंदर पैदा होगा तो मसलक जो उनसे हैं उनमें हक और खैर मौजूद है। लेकिन हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ये कुल्ली तौर पर हक पर कायम है, कुल्ली तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हक पर कायम है। बस बाकी आपकी दरियाफ्त है कि आप कहाँ से हक को तलाश करते हैं। आप देखिए ना कि अब उलमा की सोच इस तरफ आ रही है कि एक मेट्रोपोलिटन फिक वजूद में आनी चाहिए, यानी जिसे डॉक्टर हमीदुल्ला ने भी अपने खुतबात बावत और अपनी मुख्तलिफ किताबों में बयान किया है, वो ये कि अब मसलन मईशत के मसाइल, अब जदीद मईशत के मसाइल ना तो आपको फ़िका हनफी में मिलेंगे, ना फ़िका शाफी में, ना मालिकी में, ना हम्बली में। अब वो कहते हैं कि ये सारी फ़िकें और इन फ़िकों के अलावा एक नई फ़िक। तो थोड़ा सा अगर हम अपने आप को ज़माने के मुताबिक नहीं चलाएंगे, ये बात याद रखिए कि फितरत हमें ज़रूर ज़माने के मुताबिक चलाएगी, हमें चलना पड़ेगा पर हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हकीकत को आप तलाश कीजिए, आप पर ज़िम्मेदारी ये है कि आप हक को तलाश कीजिए और हक के मुताबिक ज़िंदगी। लफ्ज़ी तर्जुमा कुरान के बारे में एक बात फैलाई जा रही है कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि बड़ी उम्र में पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा ठीक है? आप देखिए कि कुछ साल पहले, 20-30 साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर आप देखिए तो हमारी बुनियाद में अरबी थी, हमारी बुनियाद में पर्शियन थी, हम अपनी सकाफत से, अपनी विरासत से जुड़े हुए लोग थे। हमारे यहाँ खराबियाँ भी इसलिए पैदा हुई, हमारे यहाँ सतहीत सोच, सती जो सोच पैदा हुई वो इसलिए पैदा हुई कि हम अपने ओरिजिनल सोर्स से कट गए। आज हमारी नस्ल इंग्लिश बोलती है और हम फख्र से बताते हैं कि इंग्लिश बोलती, लेकिन उर्दू किस पाए की बोलती है या उसको अरबी किस पाए की आती है, इस पर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ हम जिस शहर में बैठे हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इस शहर में, आप देखिए कि उनके ये वाक़े बहुत मशहूर है। छोटे से थे कुरान सुबह उठकर पढ़ते थे, वालिद एक दिन पूछे कि बेटा कुरान कैसे पढ़ते हो, कहा जी ऐसे लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते। दूसरे दिन पूछा बेटा कैसे पढ़ते हो, फरमाया जैसे पढ़ा जाता है लोग पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ता हूँ। तो एक दिन पूछ लिया कि अब्बा जान आप बताइए कि किस तरह मुझे पढ़ना चाहिए, फरमाया कुरान इस तरह पढ़ जिस तरह अब तुझ पर कुरान उतर रहा है,
इस तरह कुरान की तिलावत करता। हम वो कितने उम्र के थे? ज़्यादा से ज़्यादा आठवीं क्लास के होंगे, सातवीं क्लास के होंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल लिखते हैं कि मेरे और मुनीरा की ये ड्यूटी होती थी कि अल्लामा हमारे वालिद इकबाल जब कुरान की तिलावत कर लेते थे, कि हमारी रोज़ाना की ड्यूटी होती थी कि हम कुरान के भीगे हुए और आग को सूरज की रोशनी में, उसके धूप में, गर्माइश में उसको खुश्क करके कुरान को लपेट कर रखा करते थे। ये जो चीज़ है ये आज नहीं है हमारी सोसाइटी में। आज हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल अंदाज और लाइफस्टाइल ही हमारा चेंज हो गया है। ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चों को लफ्ज़ी तर्जुमा या कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए बचपन, बड़े होने फिर ये पढ़े। नहीं, इनको बचपन से अरबी ज़ुबान से भी इनकी वाकफियत होनी चाहिए, कुरान से भी वाकफियत होनी चाहिए, और ये छोटी उम्र से इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। याद रखिए, हमें ये काम करने पड़ेंगे अपनी नस्ल को अपनी असल से जोड़ने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यूरोप जो उनसे उनको वेलकम कहने के लिए खड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि ड्रेन ब्रेन इसको कहा जाता है। हमारे जितने बासलाहियत साहिब इल्म लोग, काबिलियत वाले लोग, वो यूरोप, अमेरिका, कैनेडा उनको खींच रहा है अपनी तरफ। वो क्यों? इसलिए कि हम अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत के लिए पैदा कर रहे हैं। वो जाकर उनके इदारों में, उनके दफातर में, उनके फैक्ट्रियों में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। हमने अपने बच्चों को अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने मज़हब, अपने कल्चर से जोड़ा ही नहीं है। आज हमारे बच्चे गालिब को नहीं जानते, आज हमारे बच्चे अकबरदाबादी को नहीं जानते। अगर कहीं पर पढ़ा भी दिया जाए तो बच्चे भी बेचारे परेशानी में होते हैं, वालदैन भी परेशानी में होते हैं, यार ये क्या उर्दू लगा, इंग्लिश पढ़े, मज़े से पढ़ाते हैं बच्चों को समझाते हैं। ये जो चीज़ है, हमें ये कल्चर रिवाज देना होगा अपनी सोसाइटी में। हमें अपने बच्चों को कुरान सिर्फ देखने में नहीं कि वो सिर्फ पढ़ सकें, बल्कि कुरान का तर्जुमा अरबी ज़ुबान, अपनी फ़ारसी, अपने इस विरासत और इस अपने लिटरेचर से हमें अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को जोड़ना होगा। जब ये चीज़ उनके साथ जाएगी, देखिए जब ये चीज़ें आप लाते हैं ना, तो अरबी ज़ुबान के साथ कुरान भी जुड़ा हुआ है। कुरान अखलाकी मामलात को दुरुस्त करता है, इंसान के अखलाकियात को बेहतर करता है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल मगरिब मगरिब की बात करते हैं, क्यों करते हैं? वो वहाँ से कहते हैं जी वहाँ पर लाइफ बहुत ईजी है, वहाँ पर एक तरीक़ेकार है, वहाँ पर चोरी नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। ये बच्चे हमारे बातें करते हैं। अगर हम उनको ये बताएं कि ये हमारे अखलाक की बुनियाद, ये हमारा मजहब है, उनकी तहजीब की अगर बुनियाद है तो वो उनका मफादात है, उनकी सोच है, उनकी फ़िक्र है, उनके कानून है, जो उनका सफ़र है, इंसानी सफ़र, उन्होंने उस बुनियाद पर अपनी तहजीब को खड़ा किया है। लेकिन हमारी तहजीब हमारे मज़हब पर कायम है और हमारा मज़हब ये करेक्टर हमारा बनाता है। हमने बिल्कुल अपनी जड़ से, अपनी बुनियाद से ताल्लुक ही तोड़ लिया। और फिर इस तरह की बात है, पहले जी बच्चों को पढ़ाओ ना, क्यों ना पढ़ाया जाए बच्चों को? मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मदारिस अब शायद कुछ चेंजिंग आ जाए। मैंने भी 8-10 साल का कोर्स किया है मदारिस में, मैं भी बड़ी, मैंने दरस निज़ामी को वोट कर किया है। अब वो जो दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, आप हैरान होंगे और बात बात मुझे तो हंसी भी आती है कि फ़िका हनफी के मदरसा में, यानी मसलक के देवबंद, मसलक के बरेलविया के जामियात में 7 साल फ़िका हनफी पढ़ाई जाती है। फ़िका हनफी जो किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, नूरुल हिजाज़ से लेकर हदाया शरीफ तक जितनी किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, अब वो तमाम किताबें फ़िका हनफी पर मुश्तमिल हैं, फ़िका हनफी को वो रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन 8वें साल जो हमें हदीस पढ़ाई जाती है, वो गैर हनफी मुहद्दिसीन की हदीसें पढ़ाई जाती हैं। फ़कत एक हदीस की किताब है तहावी शरीफ, इमाम तहावी की, वो फ़िका हनफी के मुताबिक है, यानी उन्होंने वो हदीसें नकल की जो फ़िका हनफी के मसाइल पर मुश्तमिल हैं। लेकिन बाकी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद, ये तमाम जितने मुहद्दिसीन हैं, ये फ़िका हनफी से इनका ताल्लुक नहीं था। अब देखिए कि क्या सोच पैदा होती है। 7 साल जो फ़िका पढ़ाई जा रही है, 8वें साल हदीस के ज़रिए से उसी फ़िका को निगेट कर दिया जा रहा है। ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरी बात ये कि कुरान नहीं है, 8 पारे 10 पारे पढ़ा दिए। अगर पढ़ाते भी हैं, मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस दौर में मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ता था, वो ख़ास पीरियड शुरू किया गया था हमारे लिए,
इसलिए हम शेख हदीस के बेटे थे। अब जो हमें पढ़ाते थे वो आपको मालूम है हमें कुरान कैसे पढ़ाते थे, कुरान का तर्जुमा और तफसीर, वो हमें कुरान का तर्जुमा तफसीर ऐसे पढ़ाते थे कि जैसे कुरान मुखालिफ मसलक के खिलाफ उतरा है, इस अंदाज से कुरान की हर आयत पर नऊज बिल्ला दूसरे मसाले पर उन आयात को अप्लाई करना, इस अंदाज से हमें कुरान पढ़ाया जाता था। आप बताइए कि कुरान किस तरह बड़े जहन पैदा करे जब कुरान को पढ़ाने और समझाने वाले ऐसे लोग। इसलिए कि कुरान से इस्तेफादा वही कौन करती है कि जो कुछ फिक्री मेयार कोई लेवल भी जिसका होना चाहिए फिर कुरान सोच देगा। कुरान इसी बात को तो बयान करता है, ज़ालिक किताबुल लारेब फी हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन की शर्त लगाते हैं। मुत्तकीन यही है कि जो कुछ अपने अंदर अच्छाई रखने वाले और पैदा करने की तलब तो होना उनके अंदर, आगे बढ़ने की ख्वाहिश तो रखे, फिर कुरान हिदायत दे। जो उठने के लिए भी तैयार ना हो तो कुरान उसको रास्ता कैसे दिखाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद से ही इस चीज़ को शामिल किया जाता है। आखिरी सवाल, दौर जदीद में हमारे किन किन उलमाए दीन ने साइंसदान को आलिम कहा, उनके बड़े मेहरबानी नाम बताएं। देखिए ये तो एक स्पेशल क्विज सवाल है, क्वेश्चन है ये, मैं इस तरह इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि मैंने अपना नुक्ता नज़र आपके सामने ये रखा कि जब मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने देखा तो मुझे पढ़ कर ये मालूम हुआ कि इल्म और उलमा की इस्तेलाह कुरान ने कायनात में गौर फिक्र करने वालों के लिए इस्तेमाल किया। मजहबी नुमाइंदों के लिए कुरान ने यहूद और नसारा के हवाले से अहबार और रोहबान की इस्तेलाह इस्तेमाल की। गालिबन किसी दौर में मैंने एक मजमून पढ़ा था मौलाना वसीम मजहर नदवी साहब का, ये गालिबन 90s की बात है, ये वजीर भी रहे हैं वसीम मजहर नदवी साहब, इन्होंने लिखा तो उस वक्त काफ़ी शोर मचा था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो लफ्ज़ है आलिम का, अल्लामा का, ये अल्फाज मजहबी तबके के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको इस्तेमाल किया गया साइंटिस्ट के लिए। ये उनका ये नुक्ता नज़र था, लेकिन ये है कि जो मैंने पढ़ा वो तो मैंने आपके सामने रखा। आइए 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 आइए